गुड आफ्टरनून टू एवरीवन क्या हाल चाल कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं कि सब लोग बेहतर होंगे बेहतर होना भी चाहिए हम लोग आज एक नए रंग में और नए मिशन की शुरुआत कर रहे हैं तो भाइयों सबसे पहले उस नए मिशन के लिए हम सबको ये कंफर्म कर लेना होगा कि हमारी दौड़ उतना ही तेज होगा जितना दूर मंजिल है मंजिल और दौड़ दोनों का लेवल एकदम ऐसा होना चाहिए कि हम दोनों को कंफर्म कन, कर ले हम अपने टाइम नियत समय के अंदर अपने मंजिल तक पहुंच जाए तो दौर का मतलब समझ रहे होंगे कि हम लोग थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन करते हुए अपने क्लास को करेंगे उस स्पीड में भी मैं उन सारे कंटेंट्स को मेंटेन करते हुए हार इनके जी मैं उन सबको मेंटेन करते हुए आगे बढ़ूंगा जिनमें अब बार बार आपसे फिलिम्स के क्वेश्चन पूछे हुए मैं उन सबको हिट करते हुए आपको बताते हुए मैं एक एक, एक जगह पर आगे बढ़ूंगा क्या सभी लोगों को प्लानर मिल गया है एक बार सभी लोग यस बोलिए कि प्लानर मिल गया है या नहीं मिला है यदि प्लानर मिला होगा तो आपको यह भी जानकारी होगा कि आज कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम फटाफट बताइए तो प्लानर मिलने वाले सभी भाई जल्दी से प्लानर मिल गया है क्या सबको प्लानर मिल गया है चलिए हाँ सर इंग्लिश मीडियम में बताइएगा हिमांशु कुमार सिंह देखते हैं नहीं सर मुझे नहीं मिला रिंकी जी क्यों प्लानर सबको ग्रुप में डाल दिया गया इट इज द द क्लास क्लास ऑफ हिस्ट्री सर कल आपको बता दिए होंगे आपके क्लास के बारे में टोटली जानकारी बता दू समय के मानकों को देखते हुए मैं आपसे क्लास में कम बात करूंगा पढ़ाऊंगा ज्यादा तो थोड़े से स्पीड को मेंटेन करिएगा जहां भी दिक्कत होगा आप तुरंत बोलिएगा लेकिन हम उसका भी तरीका बताएंगे कुमार अश्वनी कह रहे हैं नहीं मिला है नहीं मिला है अच्छा हम भेज देते हैं क्लास के बाद मैं बता देता हूं आज का आज का का जो है उसके बाद हम बता देता है कौन से ग्रुप में मोक्ष ग्रुप को जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है जो लोग मोक्ष ग्रुप को टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किए हैं आप अपने एप्लीकेशन पे जाएंगे मोक्ष बैच में घुसेंगे और उसके अंतिम में जाएंगे तो अनाउंसमेंट आएगा उस अनाउंसमेंट में नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर क्लिक करके इस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए मैं इस क्लास के बाद आपको बता दूंगा है ना डेली क्लास क्लास का टाइम सेम रहेगा आपको डेली क्लास का टाइम मैं बता देता हूँ फर्स्ट क्लास जो होगा फर्स्ट क्लास जो होगा प्यारे भाई वो फर्स्ट क्लास हो जाएगा बारह थर्टी से है ना जो अक्सर मेरा होगा सेकंड क्लास जो होगा वो सेकंड क्लास जो होगा डेली वाला वो हो जाएगा बता दू मैं आपको सेकंड क्लास होगा चार पी से दोनों नहीं चार बजे से तो ये दोनों को याद कर लीजिएगा हाँ मेरा क्लास हमेशा एक डेढ़ घंटा के आसपास का होगा मैं बता दे रहा हूँ इससे ज्यादा हो जाएगा कम नहीं तो डेढ़ घंटा तक कोई परेशान नहीं होगा है ना अपने लंबा लंबा सांस लेते हुए अपने पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेगा कोई भी हमारे क्लास से बाहर नहीं जाएगा हमारे क्लास में किसी भी क्लास से जो लोग आ गए हैं है ना कुमार अश्विनी प्रसाद हो जाएगा बाद में हो जाएगा प्लीज क्लास में हम लोग अभी इस पर बात नहीं करेंगे बाद में बात करेंगे लास्ट में बात करेंगे ये दूसरा क्लास होगा चार बजे से ये पॉलिटी का होगा ध्यान रखिएगा ये कौन सा होगा प्यारे भाई पॉलिटी का क्लास होगा और मेरा मेडाइवल हिस्ट्री चल रहा है मैं बहुत ही स्पीड से आपको मेडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत को लेकर चलूंगा वो सारा देखिए देखते हुए कि आपका रिविजन भी हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए तो आज के होमवर्क जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि आज का होमवर्क क्या होगा प्यारे भाई आज का होमवर्क मैं बता देता हूं आज के होमवर्क में आपके ये होंगे तीन टॉपिक हम करेंगे पहले भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण बीपीएससी का ये आदत रहा है कि इससे बार-बार क्वेश्चन पूछता रहता है एक क्वेश्चन इससे आने के चांसेस रहते हैं दूसरा बात की दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश से भी एक क्वेश्चन आता है यानी हम लोग फर्स्ट डे का प्लान इस प्लान को आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए और आने वाले डेढ़ से 2 घंटे में हम इन तीनों टॉपिकों को लगभग चार टॉपिक है इसमें मोटे तौर पे इन चारों टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे स्पीड को मेंटेन करते हुए हम उन उन पॉइंट्स को बताते हुए चलेंगे जहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं तो आप अपने आप को एकदम सशक्त तरीके से तैयार कर लीजिए दो घंटा तक कम से कम दो घंटा आपको पढ़ना है और ये दिमाग से लेकर मतलब मेंटली प्रिपेयर हो जाइए और मेरे क्लास में ऐसे ही प्रिपेयर रहिएगा बीच में कोई नहीं हटेगा नहीं तो मैं स्टोरी से कनेक्ट करके बताऊंगा फैक्ट्स को इनक्लाइंड करते हुए और जो लोग बीच में डिस्कनेक्ट होंगे फिर उनको समझ में नहीं आएगा ध्यान रखिएगा

समसी, समसी और अगला एक वंश होगा कौन सा बलबनी इन तीनों इन तीनों वंशों को हम एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे लंबा क्लास होगा ध्यान रखिएगा सभी लोग आपकी मर्जी आप अपने हाथ को स्पीड रखिएगा पीडीएफ हम लोग दे देंगे लेकिन साथ में लिखते रहिएगा तो बेहतर रहेगा आपका हाथ चलता रहना चाहिए जो भी सिविल सर्वेंट हो उनका हाथ रुकना नहीं चाहिए हमेशा चलता रहना चाहिए आइए तो ये रहेगा इसके बाद मैं आपको बता दूं कि होमवर्क के टाइप में आपको 10 एमसीक्यू मैं दूंगा जो आपके टेलीग्राम ग्रुप में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में मैं मेरे क्लास के 10 मिनट के बाद टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा इसको आपको सॉल्व करना है पहला दूसरा बात की जो आपका होमवर्क रहेगा मैं बता रहा हूँ होमवर्क जो आपको डेली होमवर्क के तौर पर ये घटना चक्र का जितना टॉपिक गुलाम बन से संबंधित एमसीक्यू है इसको कंप्लीट करके आना है राहुल सर जब मेंटरशिप ले रहे होंगे रात को रात को राहुल सर जब आएंगे तो यहीं से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ध्यान रखिएगा घटना चक्र के एमसीक्यू और क्लास के एमसीक्यू दोनों ये यदि आप देखेंगे तो कम से कम हो जाएगा साठ सत्तर एमसीक्यू ये हो जाएगा आपको क्या करना है

है ना क्वेश्चन जितना पूछना कोई इशू नहीं जल्दी से बताइए अपर्णा सिंह कह रही है, तो है ओके, 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 ओके। मिलेगा सर? अरे दस क्लास के दस मिनट के बाद मिल जाएगा एनसीक्यू दस टॉपिक से ठीक है एवरी इज रेडी चलिए तो अब हो जाइए आप लंबी लंबी सांस लीजिए और कॉपी कलम ओपन करके और दिमाग को एकदम कंसंट्रेट करके बैठ जाइए सेशन में आइए शुरू करते हैं आज की शानदार जानदार और जबरदस्त सेशन प्यारे भाई सबसे पहले आज का टॉपिक हम लोगों ने रखा है मेडायल हिस्ट्री तो थोड़ा सा मेडायल हिस्ट्री कैसे और कहां से होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं आप जानते हैं इतिहास एक चैप्टर है और इस इतिहास में तीन सेक्शन होता है आपको इसके बारे में जानकारी होगा फिर भी हम एक बार ड्रॉ कर देते हैं ताकि होना जरूरी है पहला होता है प्राचीन जिसको एनशियंट इंग्लिश में कहते हैं प्राचीन भारत और दूसरा होता है प्यारे भाई मध्यकालीन भारत मध्यकालीन भारत है ना मध्यकालीन भारत यानी जिसको मेडाइवल हिस्ट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत ठीक है और तीसरा होता है मॉडर्न यानी आधुनिक भारत ये तो राहुल सर पढ़ाएंगे तो आपको सोचना ही नहीं है बाकी दोनों सेक्शन मिला है आधुनिक भारत ध्यान रखिएगा तो ये हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है प्यारे भाई वो टॉपिक है मध्यकालीन भारत इस मध्यकालीन भारत को हम पढ़ने जा रहे हैं अब सवाल आता है कि आप मध्यकालीन भारत को कैसे एलिमिनेट करते हैं किसको आप कौन से फेज को मध्यकालीन भारत कहते हैं तो प्यारे भाई इस्लाम का उदय होना ही मध्यकालीन भारत का उदय होना कहलाता है यानी मध्यकालीन भारत का बैरियर कहां से शुरू होता है तो इस्लाम के उदय से शुरू होता है तो इस्लाम और मध्यकालीन भारत ये दोनों क्या माना जाता है मध्यकालीन भारत का हिस्सा माना जाता है तो 700 SP, जब इतिहास जब इस्लाम पनपने लग गया का कौन सा हिस्सा है, तो जब भी 700 सौ से पंद्रह सौ छब्बीस ईस्वी के बीच का कोई हिस्ट्री हो दैट मीनू नॉन एज मेडावेल हिस्ट्री नॉन एज मध्यकालीन भारत क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ तक चलिए अब आइए इसमें हम लोग हमने बताया आपको कि 700

इस्लाम से है से है ना सीधा संबंध इस्लाम से लिख लीजिएगा ये आप बस ध्यान से सुनते रहिएगा एक एक पॉइंट आपको आ जाएगा संबंध इस्लाम से है जो लोग बाद में देखेंगे वो स्पीड बढ़ा के देखेंगे इस्लाम से है तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि इस्लाम क्या है उसके बाद ही बात बनेगा नहीं तो हम बीच में फंस जाएंगे तो इस्लाम को जानना सबसे अधिक जरूरी है तो हम लोग चलते हैं बिना समय को जाया किए हुए इस्लाम को है ना कि इस्लाम क्या है तो प्यारे भाई कितने लोग जानते हैं इस्लाम के बारे में कितने लोग पहले से इस्लाम के बारे में पढ़े हैं एक बार फटाफट बताइए इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ने वाले लोगों कितने लोगों ने इस्लाम धर्म के बारे में पहले पढ़ाई किया है कोई एनी और फास्ट रिप्लाई दीजिएगा क्या आप लोगों ने इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ा है यस और नो प्यारे भाई जल्दी बताइए नहीं बताइएगा चलिए हम आते हैं आगे तो इस्लाम धर्म को हम लोग समझते हैं इस्लाम धर्म क्या है तो इस्लाम धर्म के बारे में मेजर मेजर पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि इस्लाम धर्म जो है इसकी शुरुआत किसने किया था इसके शुरुआत करने वाले कौन है तो इसकी संस्थापक कहिए इसकी शुरुआत करने वाले कौन है पैगंबर मोहम्मद साहब पैगंबर मोहम्मद साहब तो पैगंबर मोहम्मद साहब को ही हमें जानना होगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब हैं कौन तो प्यारे भाई पैगंबर मोहम्मद साहब के, के बारे में हम पहले जान लेंगे पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म पूछा जाए तो सात सौ पांच सौ सत्तर ईस्वी में हुआ कितना भाई पांच सौ सत्तर ईस्वी में हुआ कहाँ पे हुआ है प्यारे भाई कितने लोग बताएंगे पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ है बताएंगे कहा हुआ है अरेबियन अरेबियन कंट्री में जिसको आप लोग मक्का कहते हैं हजरत मोहम्मद कह लीजिए मोहम्मद साहब कह लीजिए वही बात है है ना मक्का मक्का मदीना आप लोग मक्का में बेसिकली इनका जन्म हुआ है और मदीना में ये बाद में गए हैं जिसको हिजरी संबत कहते हैं थोड़ी देर में हम लोग इस पर बहुत डिटेल बात करने वाले हैं थोड़ा सा हम लोग मक्का बिल्कुल सबका जवाब सही है मक्का में हुआ है लेकिन हम यहाँ नहीं लिखेंगे इनका जन्म पांच सौ में हुआ था इनके पिता और माता का नाम से भी कई दफा प्रश्न पूछा है तो पिता माता का नाम और चाचा का नाम भी क्योंकि चाचा ने इनको पाला था चाचा ने इनको पाला था तो पिता का नाम क्या है जी कौन बताएगा माता का नाम तो अमीना है बहुत ही फेमस है है पिता का नाम अब्दुल्ला है। क्या नाम है प्यारे भाई पिता का नाम चाचा का नाम अबू तालिब है अबू तालिब अबू तालिब ने ही इनको पाला था तो कई दफा अबू तालिब से प्रश्न पूछा जाता है तो अबू तालिब का नाम बेसिकली याद रखिएगा अबू तालिब का बेसिकली नाम याद रखिएगा पिता का नाम अब्दुल्ला मैंने बता ही दिया था पहले ही पिता का नाम अब्दुल्ला है ना पिता का नाम अब्दुल्ला छोटी सी इनकी आइडेंटिटी है और इसी आइडेंटिटी के तहत इनको हम सब जानते हैं और पांच सौ सत्तर ईस्वी में इनको जन्म की इनका जन्म हुआ था प्यारे भाई कहानी शुरू होती है मेन इस्लाम से इनके जन्म से बहुत मतलब नहीं को, लेकिन मतलब कहां से है तो इनको की से। निर्देश दिया कि तुम हमारे बंदे हो और जाओ पूरे संसार में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करो ये सबसे पहले कब 610 सौ ईस्वी में एक हीरा कैब में बैठकर ये ध्यान लगा रहे थे उसी वक्त इनकी इनको इस बात की का भान हुआ जानकारी हुआ इन्होंने देखा जो भी हुआ तो इनको उस वक्त ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मोटे तौर पर कहा जाए कि एनलाइटमेंट ऑफ द पैगंबर मोहम्मद साहब कब हुआ तो सिक्स यानी छ सौ दस में हुआ है पहला पॉइंट आपके काम का यह है ना ठीक है आइए अगला देखते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब को जन्म अः पांच सौ सत्तर ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति छह सौ दस ईस्वी में हुआ पैगंबर मोहम्मद साहब को अल्लाह ने बहुत सारी बातें बताई थी उसी के हिसाब से पैगंबर मोहम्मद साहब प्रचार प्रसार करने का विचार कर रहे थे तो इन्होंने सबसे पहले अपने ज्ञान की प्राप्ति के बारे में जानकारी किसको दिया तो अपनी पत्नी को दिया इसको किस किताबों ने हादीजा किस किताबों ने कुछ किताबों ने खादीजा लिखा है तो ध्यान रखिएगा ये पूछा हुआ प्रश्न है कि पैगम्बर मोहम्मद साहब के ज्ञान प्राप्ति की जानकारी सबसे पहले किसको दिया दिया तो अपनी पत्नी को दिया। ये पूछा हुआ प्रश्न है इसको नोट कर लीजिएगा ये आपको भूलना नहीं चाहिए पत्नी का नाम क्या है खादीजा है ना सबसे पहले ज्ञान की किसको दिया प्यारे भाई बता दो जानकारी ज्ञान की प्राप्ति कब हुई इनको ज्ञान की प्राप्ति मैं मेन मेन पॉइंट बताते हुए आगे बढ़ रहा हूं ज्ञान की प्राप्ति हुआ इनको 610 सौ ईस्वी में कहाँ पे हुआ प्यारे भाई हीरा गुफा में हीरा गुफा में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये सबसे पहले इसके बारे में किसको बताएं तो अपनी पत्नी को बताएं अपनी पत्नी को किसको प्यारे भाई अपनी पत्नी और ये पत्नी का नाम क्या था तो खादीजा और हादिजा दोनों लिखा रहता है थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा खादीजा हादीजा ज्यादा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा इसके बारे में बहुत ही क्लियर है कि खादीजा या हादिजा कई जगहों पर लिखा है इनकी पुत्री, फातिमा और जमाई अली भी थे। इनकी पुत्री कौन थी फातिमा पुत्री कौन थी प्यारे भाई फातिमा पुत्री का भी नाम लगे हाथ याद कर लीजिएगा और इनके जमाई थे अली अली से भी प्रश्न आता है जमाई मतलब दामाद कह सकते हैं जमाई थे अली है ना अली इनके जमाई थे ठीक है अब ये कौन से धर्म मतलब इनका जो कुल था वो कौन सा कुल था तो ये जिस कुल से आते थे उनको कुरैसी कहा जाता है यानी आम भाषा में उस वक्त के लैंग्वेज में मक्का के भाषाओं में या मध्यकालीन भारत के उन सभी इस्लामिक कंट्री जो अभी डेवलप है उनके बारे में पूछा जाए तो प्यारे भाई उनका उनका क्या है उनको कबीला बोला जाता है तो हम भी कबीला यहाँ लिख रहे हैं आप ये मत समझिएगा कबीला का मतलब कुछ और। ना? बोला जाता है। लिख इस्लाम की तरफ ज्यादातर बढ़ जाएंगे की तरफ। तो स्टोरी बता देते हैं ताकि कनेक्टेड फ्रॉम टाइम टू इस्लाम धर्म ताकि इस्लाम धर्म से आने वाले प्रश्न से आप लगातार कनेक्ट रहे पहले ये बताए कि ये स्पीड ठीक है ना इसी स्पीड में आप सबको समझ में आ जा रहा है एक बार आप हमको क्लियर कर दीजिए तो दो घंटा के बीच में कंप्लीट कर लेंगे आपके को। बत, ये। सिन्हा सिन्हास सर सबका जवाब आने लग गया यस 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 चलिए ठीक है स्पीड ठीक है सर थोड़ा सा स्पीड हम जानते हैं कि मैं प्रॉपर क्लासों में ऐसा नहीं पढ़ाता हूँ बट आप लोग का टारगेट बैच है और आपको हमको प्रिलिम्स के सारे सिलेबस को क्रिस्प दे देना है तो मैंने स्पीड बढ़ा लिया है अपना ठीक है आइए तो कहानी थी हमारा कबीला कुरैशी की सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही अपनी पत्नी खादीजा बेगम के पास जाते हैं और अपनी पूरी कहानी को बताते हैं कि अल्लाह ने हमसे अल्लाह हमसे मिले थे और ये ये बात बोले हैं यानी बोले हैं कि यू आर द यू, यू आर द बेस्ट पर्सन की आप ही हमारे धर्म को अपनाएंगे तो बेसिकली इस इस्लाम धर्म के पहले उस वक्त जो एक धर्म एग्जिस्ट करता था उसका नाम था तो जुडाइजम आप लोग जुडाइजम को जानते हैं कितने लोग जानते हैं जुडाइजम को नहीं जानते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा तो कभी जानकारी हो जाएगा हालांकि अब इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है बस हम आपको कनेक्ट होने के लिए बता रहे हैं बहुत टेंशन नहीं लीजिएगा इससे आपसे प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा है ना तो जुडाइजम जो लोग ऑप्शनल हिस्ट्री लिए होंगे उनसे पूछा जा सकता है तो जुडाइज ध्यान रखना प्यारे भाई जुडाइजम धर्म के लोग जब ये मोहम्मद साहब सौ दस ईस्वी के बाद घूम घूम कर प्रचार प्रसार करने लगे तो जुडाइज धर्म के जो लोग थे जिनके गुरु अब्राहम हुआ करते थे उन लोगों को दिक्कत होने लगा अब इसलिए दिक्कत होता है कोई भी एक धर्म पनपा है और उसके ऑब्जेक्ट में कोई धर्म आगे बढ़ेगा तो अब इसलिए दिक्कत होगा दिक्कत होने लगा प्यारे भाई और जब दिक्कत होने लगा तो उन लोगों ने पैगम्बर मोहम्मद साहब के खिलाफ बहुत ही षडंत्र रचना स्टार्ट कर दिया षडंत्रों में प्यारे भाई होता क्या था कि इनको दिक्कत करना इनको ढेला मारना इनको ईंटा मारना इनको परेशान करना इनको लड़ाई करना और इनसे मतलब एकदम इनको तंग करने की बात कही जाने लगी इनको अलग अलग तरीकों से चेक करना कहानी तो यह भी है कि एक बार एक जुड़ाइजम के जुड़ाइजम के एक बहुत बड़े फकीर ने इनके धैर्य को मापने के लिए इनका टेस्ट भी उस टे, उस लिया था छोटी सी स्टोरी है नहीं बताऊंगा मैं क्लास में आपके समय का दायरा है मेरे पास तो आ, उन, उन्होंने कभी और बताएंगे हम तो उन्होंने चेक किया और मजे की बात यह है कि जो जो व्यक्ति जुडाइजम वाले व्यक्ति इनको चेक कर रहे थे उन्होंने ही अंतिम में जाकर इस्लाम को स्वीकार कर लिया उन्होंने कहा कि गजब व्यक्ति है भाई इसको हमने इतना परेशान किया ये माना ही नहीं तो मोटे तौर पर ही कि पैगम्बर मोहम्मद साहब अपने अल्लाह के बताए हुए और और अपने अपने अल्लाह के के बताए हुए सभी आधार पर परफेक्ट निकले और इन्होंने क्या किया किया धर्म का प्रचार प्रसार खूब मन धन से किया। कहा यह भी जाता है कि जुड़ाई इन्होंने कहा पैगम्बर मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह ने हमें कहा है कि यू आर द सेनापति आप सेनापति हैं हमारे धर्म का ये पूछा हुआ प्रश्न इसलिए मैं इस शब्द को यूज कर रहा हूं आप हमारे धर्म के सेनापति हैं और आप टीम का एक टीम बनाइए और टीम बनाकर प्रचार प्रसार करिए तो प्यारे भाई इन्होंने एक टीम बनाया था एक टीम बनाकर इन्होंने मक्का के बाद मदीना पर अटैक किया ऐसा कहा जाता है और मक्का के बाद मदीना पर अटैक करके मदीना को जीत लिया ये कहानी छह सौ की है प्यारे भाई कब मक्का से मदीना इन्होंने कब गया गए तो 622 में कहा जाता है कि उन्होंने सेनापति बने और एक टीम बनाया और टीम बनाकर मदीना पर अटैक किया और मदीना को जीत लिया मक्का में जुडाइजम के लोग इनको बहुत परेशान करते थे इसीलिए तो 622 में इसने इन्होंने मदीना को जीत लिया अब यहां से दो प्रश्न पूछे जाते हैं उन दोनों को याद कर लेना छह सौ में कब प्यारे भाई छे सौ में है ना मक्का से मदीना चले गए ऐसा लिखा जाता है मक्का से मदीना चले गए और मक्का से मदीना चले गए कौन मक्का से मदीना चले गए पैगंबर मोहम्मद साहब पैगंबर मोहम्मद साहब मोहम्मद साहब पैगंबर मोहम्मद साहब और इस टर्म को इस्लाम जो है मोहम्मद साहब मोहम्मद साहब इस टर्म को इस्लाम ने इस टर्म को इस्लाम ने इस सौ दस से लेकर और 622 सौ बाईस का जो टर्म था इसी को इसके बाद के को इस्लाम ने क्या मान लिया पैर भाई हिजरी संबत कितने लोग हिजरी संबत के बारे में जानते हैं पूछा हुआ प्रश्न है हिजरी संबत इसी को मान लिया गया जब ये मदीना गए इसी को हिजरी संबत मान लिया गया ध्यान रखेगा इस्लाम में जो हिजरी यूज होता है ये मक्का से मदीना जाने वाला टर्म हमारे पैगम्बर मोहम्मद साहब का है जिसको हम लोग क्या यूज करते हैं हिजरी संबत के तौर पर जानते हैं ठीक है क्लियर है सबको यहाँ तक एक बार जल्दी बताइए सबको क्लियर है क्या जल्दी बताइए क्लियर है क्या Fatafat Hijri Sembat Clear Done. अब सवाल ये आता है कि इनको क्यों जाना पड़ा मदीना बिकॉज ऑफ दैट कि मक्का में इनको जान से मारने की धमकी दी जाती थी और इनको बार-बार टॉर्चर किया जाता था इसलिए इन्होंने मदीना गए ये मदीना गए और मदीना जाने के बाद प्यारे भाई ये 612 ईस्वी के बाद इन्होंने बहुत खुलकर इस्लाम धर्म का प्रचार किया इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ा दिया इस इस्लाम धर्म के प्रचार के कारण के प्रचार को बढ़ा दिया प्रचार प्रसार को बढ़ा दिया और धीरे धीरे अलग अलग देशों में जैसे ये अरेबियन सी है इसके बाद इन्होंने साउथ अफ्रीका इसके बाद नॉर्थ अफ्रीका फिर इस्लामिक कंट्री और फिर आप इधर देखेंगे तो इंडिया वाले क्षेत्र में इंडिया वाले क्षेत्र में भी इसका प्रचार प्रसार किए इसके बाद इंडिया वाले क्षेत्र इधर बढ़ा तो इस्लाम का तो अरेबियन अफ्रीका साउथ अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका इधर इसका प्रचार प्रसार होते गया तब धीरे 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 इंडिया आया था तो जब तक अभी ये प्रचार प्रसार बढ़ने वाला था उसी वक्त यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है पैगम्बर मोहम्मद साहब की और मेन लड़ाई होती है कि पैगम्बर मोहम्मद साहब के हाँ सर छह सौ बाईस को ही मानेंगे हाँ छह सौ रमेश जी ओबियसली छो सौ बाईस को मानेंगे मैंने कहा कि इस टर्म के बाद ये सी टर्म के बाद कहा जाने लगा हिजरी संबत तो छह सौ बाईस को ही हिजरी संबंध मानेंगे हम लोग क्या मानेंगे पेरा भाई छे सौ बाईस को ही हिजरी संबत मानेंगे ये कहानी आपको समझ में आ गया अब मेन बात होता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है और पैगंबर मोहम्मद साहब ने मृत्यु से पहले बहुत सारी बातों को कह गए थे जिसकी बात आप सरियत सुनते हैं वो सरियत क्या है ध्यान देखिएगा वो क्या होता है कितने हाँ 632 में डेथ हुआ था अभी सुन लीजिए हमारी बातों को तो शरीयत क्या होता है थोड़ा सा शरीयत को जानना जरूरी है कि आजकल हमारे न्यूज पेपरों में बना रहता है तो शरीयत को थोड़ा सा जान लेंगे पैगम्बर मोहम्मद साहब ने के हिसाब से शरीयत का मतलब क्या था उसके बाद पैगम्बर मोहम्मद साहब के क्या होता है ना सक्सेसर यानी पैगम्बर मोहम्मद साहब के जगह लेने के लिए लड़ाई होने लगी उस लड़ाई में सबसे अंतिम समय तक उनके उनके साथ थे उनके जमाई जिनका नाम अली था सब लोग लगभग अली को जानते होंगे इसके साथ उसके उनके कुछ सेवक भी थे जिसमें अबू बकर थे उमर थे उस्मान थे अली थे अबू बकर उमर उस्मान और अली ये चार लोग थे जिनके बीचों में लड़ाई शुरू हो गई थी अंतर गृह युद्ध कि कौन हेड बनेगा यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद जगह कौन होगा तो एक पोस्ट डिसाइड हुआ जिसको कहते हैं खलीफा ये खलीफा आपके मॉडर्न हिस्ट्री में खिलाफत आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है पोस्ट हम इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे लेकिन पैगम्बर मोहम्मद साहब के कुछ विचारों की जान ले जिन विचारों से बार बार प्रश्न हमारा कमीशन पूछता है ठीक है आइए तो जान लेते हैं पैगम्बर मोहम्मद साहब ने कौन कौन से विचारों को दिया था पैगम्बर मोहम्मद साहब ने कुछ बातें कही थी उन्होंने कहा सरियत क्या है है ना सरियत क्या है तो सरियत के बारे में उन्होंने कहा कि देखो अल्लाह की वाणी किसका ध्यान रखना शरीयत के बारे में हम बता रहे हैं शरीयत से बार बार प्रश्न पूछा जाता है अल्लाह की वाणी को क्या कहते हैं अल्लाह की वाणी जो अल्लाह ने पैगम्बर मोहम्मद साहब से बताया था अल्लाह की वाणी इसको क्या कहते हैं प्यारे भाई कुरान जो जितने लोग कुरान पढ़ते हैं वो समझ जाएंगे ये अल्लाह की वाणी को ही कुरान कहा जाता है दूसरा बात होता है इसमें भी अपने तरफ से जो एक्सप्लोर किया कि नुने? तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने उसको क्या कहते हैं हदीस पैगंबर मोहम्मद साहब के बचन पैगंबर मोहम्मद साहब के वचन को क्या कहा जाता है मोहम्मद पूछा जा सकता है इस, इसलिए मैं बता रहा हूं साहब के इसको क्या कहा जाता है प्यारे भाई हदीस कहा जाता है ना क्या कहा जाता है हदीस हदीस ध्यान रखना उसके अलावा इजमा होता है उसके अलावा प्यारे भाई क्या होता है इजमा और उसके बाद होता है कयास इजमा है ना इजमा और कयास बताइए कयास का मतलब होता है कयास लगाना तर्क बितर्क तर्क बितर्क है ना तर्क वितर्क इसका मतलब होता है हम आपको बता दे और इजमा का मतलब होता है न्याय सिद्धांत यानी कोई गलती कर रहा है तो उसको क्या क्या सजा देना चाहिए ये सारा बनाया जा चुका था और इसी को इन टोटलों को जोड़ देंगे तो इन टोटलों के जोड़ने के बाद बनता है प्यारे भाई सरियत लेकिन आजकल सरयत लोग समझते नहीं है ये सरियत यही होता था सरियत जिस शब्द की चर्चा न्यूज पेपरों में और बला बला तरह के जगहों पे होती है इसी को सरयत कहा जाता है प्यारे भाई इसी को सरयत कहा जाता है ये सब मिलने के बाद सरयत बनता है जो हमारे पैगम्बर मोहम्मद साहब के समय से ही चर्चे में था बिल्कुल बिल्कुल इजमा का मतलब न्याय सब लोग क्लियर है ठीक है 632 सौ बत्तीस ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हो गई तो एक और पद बनाया जाएगा बनाया गया वो बनाया गया खलीफा 632 सौ बत्तीस ईस्वी में साहब की मृत्यु के बाद एक पद बनाया गया खलीफा तो खलीफा शब्द से भी क्वेश्चन पूछने के प्रोबेबिलिटी और चांसेज है इसलिए हम लोग उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं जो जो मेजर मेजर सेक्शन है उसी को समझाते हुए आगे बढ़ते हैं ठीक है प्यारे भाई क्या गया? खलीफा कब बनाया गया तो ध्यान रखना में 632 इस में, इस्लाम, में एक, इस्लाम के तरफ से एक बनाया गया क्या चीज पद बनाया गया उसका नाम खलीफा क्या नाम बनाया गया खलीफा ये खलीफा कौन होता था और क्या होता था थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लीजिएगा खलीफा जो होगा वो इस्लाम का राजनीतिक और राजनीतिक और धार्मिक दोनों प्रमुख होगा राजनीतिक प्रमुख और धार्मिक प्रमुख यानी का मतलब होता है कि राजनीतिक प्रमुख और खलीफा, खलीफा डिसाइड करेगा कि राजनीति में कौन सा इंपॉर्टेंट है हमको कहां अटैक करना है कहां नहीं करना है और धार्मिक प्रमुख में मतलब हमारे धर्म में क्या बदलाव हो सकता है क्या नहीं हो सकता है इन सब के बारे में क्या जवाब होगा तो वो खलीफा ही हेड होगा इसीलिए खलीफा का बड़ा रोल रहा चार लोग इसमें लड़ते रहे ध्यान रखिएगा इस खलीफा के पद के लिए थोड़ा सा मोटे तौर पे बता के हम निकलेंगे एक थे अली उस्मान अली उस्मान अबू बक्र अबू बक्र वर्ल्ड हिस्ट्री में पूछता है इतना नहीं पूछता है और एक व्यक्ति थे उनका नाम क्या था अली उस्मान अबू बक्र और एक व्यक्ति का नाम बताएंगे बड़ा ही पॉपुलर रहे बड़ा ही पॉपुलर रहे उनका नाम क्या था उमर उमर ये कहानी थी भाइयों ये लोग लड़ते रहे खासतौर तो पर ये चारों लोग इसके लगातार दावादार बने और ये सभी लोग चारों लोग खलीफा वन वन बने थे लेकिन इसमें मेन जो इनके जमाई थे जिनका नाम अली था ये बड़े पढ़े लिखे थे और नी से कहा जाता है कि इनको मानने वाले लोग अपने आप को सैयद कहते हैं शायद आप जानते होंगे ये इनको मानने वाले लोग सैयद कहते हैं इनके दो बेटे थे हसन एन हुसैन कितने लोग बगदाद के करबला के युद्ध को जानते हैं करबला के युद्ध में इनको मार दिया गया था हसैन एर हुसैन को तो आप लोग एक धर्म देखते होंगे ताजिया ताजिया का भी लोग डायरेक्ट से बताते हैं करबला के युद्ध जो बगदाद में हुआ था उसमें मार दिया गया था और खलीफा अपने इस्लाम के प्रमुख धीरे धीरे होने लग गए थे जो भी खलीफा होता था ये लोगों के द्वारा एक पैनल के तो द्वारा डिसाइड किया जाता कि है खलीफा है ना और नेक्स्ट टाइम और वही बनता था तो मोटे तौर पे आप खलीफा सत्त को समझ गए पैगंबर मोहम्मद साहब को समझ गए इस्लाम को समझ गए क्या आप लोग ये बताइए सारा गेम समझ गए या नहीं समझे किसी तरह का कोई डाउट है तो तुरंत यहाँ से पूछ लीजिए एक से दो मिनट के अंदर ताकि क्योंकि हम लोग एकदम फ्लिप करने वाले हैं भारत पे जल्दी से बताइए अब हमको भारत तक आना है इस्लाम को भारत तक लाना है जल्दी बताइए फटाफट फड़ सभी लोग एक बार बता दीजिए आपका एक मिनट मैंने दिया है अपर्णा कह रही है ओके सरिता ओके सभी लोग जवाब दे दीजिए मोटा मोटी मोटे तौर पर सभी लोग एक बार क्विकली रिप्लाई करिए लेखा भारतीय ऑल क्लियर है ना सर करबला का युद्ध कब हुआ था कर्बला का युद्ध हुआ था लगभग ये सोलह सौ सॉरी सात सौ छह सौ के बीच में हुआ था लगभग छ सौ पचास के आसपास हुआ था है ना छह सौ पचास के आसपास हाँ नहीं नहीं पहला खलीफा अली नहीं बने थे प्यारे भाई अबू बकर बना था कब कौन बना था हाँ आ, अली बने थे पहला अली बने थे दूसरा पहला अली बने थे 632 में अली बन गए थे 632 सौ ईस्वी में इसके बाद अबू बकर बना था उसके बाद सेकंड खलीफा ये सेकंड खलीफा ये बने थे है ना सेकंड खलीफा हमको सीक्वेंस में लिखना चाहिए था सेकंड खलीफा ये बने थे फर्स्ट खलीफा यही बने थे बिल्कुल फर्स्ट खलीफा यही बने थे एग्जेक्टली सही है छः में फर्स्ट खलीफा यही बने थे और कहा जाता है ना कि इनके बारे में कहा जाता है अली के बारे में कि जब मृत्यु हुई पैगमर मोहम्मद साहब के का तो अली उनके साथ थे है ना किनके चंदन करें, किनके किन करबला का युद्ध करबला का युद्ध कहा जाता है कि उस्मान और उमर के बारे में देखिए इतिहास इसके बारे में कई तरह का चर्चा करता है प्रश्न नहीं पूछा जाता है इन तीनों का ही हाथ था अली के दोनों लड़कों को मरवाने में है ना अच्छा सीटी करें छह सौ अस्सी में छह सौ अस्सी में करबला का युद्ध हुआ था है ना ठीक है क्लियर चलिए अब यहां तक क्लियर है ना ऐसे करबला के से क्वेश्चन नहीं पूछेगा आगे बढ़ा जाए हमको बस खलीफा समझाने के लिए इतना कहानी बताना पड़ा वरना ना तो अली उस्मान अबक्र उमर इन चारों से क्वेश्चन आता नहीं है बस खलीफा को समझाने के लिए इन चारों को हमें बताना पड़ा क्लियर है जल्दी बताइए क्लियर है तो हम आगे बढ़े क्लियर आगे बढ़ा जाए जल्दी बोलिए हाँ। चलिए अगला आगे देखते हैं हैं हम इस्लाम इस्लाम को भारत में लाते हैं। भारत में में लाते एक खलीफा हुआ करता था खलीफा खास तौर पर टर्की में बैठता था पे तुर्की में आपको ऑटोमन साम्राज्य आप जानते होंगे है ना ऑटोमन साम्राज्य जानते होंगे तो खलीफा ऑटोमन साम्राज्य में बैठता था है ना क्लास कितना देर पहले स्टार्ट हुआ प्रियंका जगनानी चलिए तो खलीफा कहां बैठता था टर्की में ऑटोमन साम्राज्य में तो प्यारे भाई ऑटोमन साम्राज्य में जो खलीफा बैठता था वही डिसाइड करता था कि हम धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख का मतलब क्या होता है कि कहां अटैक करना है तो 711 सौ ईस्वी में उस वक्त खलीफा हुआ करता अलहजाज अल हजाज ने यह बताया कि देखो भारत एक जगह है वहां पर अटैक करो क्योंकि इस्लाम का प्रचार प्रसार तो हो रहा था साउथ अमेरिका नॉर्थ अफ्रीका इन सब जगहों तरफ नहीं आया था तो भारत के तरफ भी हमको बढ़ना चाहिए सोने तो की चिड़िया कहते हैं पूरे विश्व में इसका नाम है अच्छा इसका हिस्ट्री बड़ा ग्लोरीफाइड है तो उन्होंने कहा कि चलो यहाँ अटैक करते है तो इसने सात सौ में है ना ये इंडिया का मोटे तौर पर चित्र है और आप जानते होंगे ये और सात सौ ग्यारह ईस्वी में इसने सात सौ ग्यारह ईस्वी में एक व्यक्ति को भेजा कौन था वो बताएंगे कौन था उबेदुल्लाह कौन था प्यारे भाई उबेदुल्ला उबेदुल्लाह सात सौ में उबेदुल्ला उबेदुल्लाह को भेजा उबेदुल्लाह आकर यहां अटैक किया प्यारे भाई उसने आकर यहां अटैक किया और जब अटैक किया तो हार गया उबेदुल्लाह हार गया इसलिए इसका नाम नई चर्चा में लिया जाता फिर सात सौ बारह ईस्वी में ध्यान आया कि एक व्यक्ति ये बड़ा ही बड़ा ही मजबूत है उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम सात सौ सा बारह ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम इसको शॉर्ट फॉर्म में एम के लिख सकते हैं हालांकि हिंदी भी लिख दे रहा हूँ मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम को है ना मोहम्मद बिन कासिम को यह जिम्मेदारी दी गई मोहम्मद बिन कासिम बड़ा ही तेज व्यक्ति था और बहुत ही मजबूत व्यक्ति था इसको कहा जाता है कि अक्रांता था इसने ये सिंध जगह है इंडिया का सिंध पर अटैक किया और सिंध पर अटैक करके मोहम्मद बिन कासिम जीत गया कौन मोहम्मद बिन कासिम जीत गया जीतने के कई सारे कारण थे जीतने के पीछे भारत के राजाओं को भी कम गलत गलतियां नहीं थी ध्यान रखिएगा भारत के राजाओं को भी कम गलतियां नहीं थी तो मोहम्मद बिन कासिम जीत गया उस वक्त यहाँ का राजा कौन था ये प्रश्न पूछा गया है तो दाहिर दाहिर कौन से जाति से आता था तो ब्राह्मण जाति से आता था कौन से जाति से प्यारे भाई ब्राह्मण जाति से आता था और मजे की बात मेरे भाई क्या है कि इसके बगल में ही इसके भाई इसके बगल में सूर्य कुमारी इसके बगल में परमल कुमारी यानी इसके घर के लोग ही भाई इसके इसके भाई इसकी बेटी इसकी बेटी ये लोग भी सत्ताओं पे शासन करते थे लेकिन फिर भी ये लोग यदि मिलकर लड़े होते तो दाहिर नहीं हारता लेकिन इन लोगों ने कहा कि चलो धर्म के तौर पर लड़ाई दाहिर से है तो दाहिर लड़ेंगे हम क्यों लड़ने जाए ये अनैतिक है ये गलत है भारत के लोग खास तौर पर इसी में ज्यादा हार जाते थे उस दौर में कि अनैतिक और नैतिक क्या होता है हालांकि कहानियां तो कहा जाता है बॉलीवुड में भी कि लव और वार में हर चीज प्यार और लड़ाई इन दोनों में हर चीज जायज है लेकिन लोगों ने ना तो प्यार को ना ही लड़ाई को समझा और सभी लोगों ने इग्नोर कर दिया मेरे भाई मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही तेज व्यक्ति था जैसे ही सिंध पे दाहिर को हराया इसको लगा कि अब हमने पहला मजा ले लिया है हमारा पैर जम चुका है यहाँ हराने के बाद उसने टारगेट इसके भाई को किया देखो मूर्खता कैसे होती है कैसे भारत के लोग ज्यादा बेहतर बनने के चक्कर में खराब हो जाते हैं भाई उसके बाद यहाँ अटैक किया इसको भी हरा दिया इस बेटियों को अटैक किया इसको भी हरा दिया प्यारे भाई लगातार ये लोग हार गए यदि यूनाइटेड होते तो क्या ही कहना होता क्या ही कहना होता लेकिन फिर सिर्फ यूनिटी नहीं होना ही भारतीयों की हार हो गई इस वक्त और ये बहुत ही गलत है कभी भी जीवन में आपके घर पे कोई अटैक आए तो ये मत सोचिए मेरा चाचा का लड़का है ये मेरा चाचा का लड़का है मेरे बड़े पापा का लड़का है उन सबको मिलकर एक साथ लड़ना चाहिए इतिहास आपको सिखाता है बार बार इसीलिए इतिहास को आपको पढ़ना भी चाहिए ताकि इतिहास में आप लर्निंग लेसन भी आपके लाइफ में बहुत सारे मिलेंगे अब आइए ये सभी लोग हार गए निरून से लेकर और आगे मुल्तान तक के जगहों पे दाहिर की बेटे बेटियों बेटा नहीं था बेटियों और उनके भाई का वर्चस्व था लेकिन उसके बावजूद भी दाहिर के साथ साथ वो सब हार गए और जानते हैं भारत के लोग उस वक्त हारने के बाद एक ही चीज कहते थे कि ऊपर वाला देख रहा है ऊपर वाला ही इसका न्याय करेगा ऊपर वाला तो देख रहा होता है लेकिन ऊपर वाला ये कहता था कि मैं भी तुमको बुद्धि दिया हूं भाई तेरा बुद्धि कहाँ है मिल के लड़ लो ना क्यों भाई अलग अलग लड़ रहे हो तुम लोग और ये लोग अलग लड़ते थे और लास्ट में कहते थे ऊपर वाला देख रहा है शायद सही में भारतीय मन के बड़े अच्छे होते हैं इसीलिए ऊपर वाला देख रहा होता था और लास्ट में उसका आप देखेंगे सारा कंक्लूसिव रिजल्ट जो आएगा वो भारतीयों के पक्ष में ही आ जाता था तो इनकी दो बेटियां थी एक बेटी का नाम सूर्य कुमारी दूसरे बेटी का नाम परमल कुमारी था मोहम्मद बिन कासिम बड़ा ही सुंदर ब्राह्मण की लड़की ब्राह्मण राजा की लड़की थी मोहम्मद बिन कासिम इन दोनों को उठाकर ले जाने लगा और इसने सोचा कि हम अपने खलीफा उस वक्त इनका खलीफा कौन था प्यारे भाई खलीफा के पास ले जाएंगे खलीफा बड़ा ही खुश हो जाएगा तो खलीफा था अल हजाज खलीफा कौन होता था ये आपको समझ में आने लग गया होगा. अलहजाज अल हजाज के सामने खलीफा अल हजाज के सामने ये मोहम्मद बिन कासिम इन दोनों लड़कियों को लेकर गया और भारत को लूट कर बढ़िया से लूट लिया और लूट कर रिटर्न होने लग गया तो लूट कर रिटर्न होने लग गया और इन दोनों लड़कियों को बंदी बना लिया बंदी बनाकर लेकर जाने लग गया दोनों लड़कियां प्रबुद्ध दिमाग की बहुत ही कौशलता में बहुत ही तेज राजा रानी रही हुई इन लोगों ने कहा कि हमारे पिता को मारा हमारे चाचा को मारा है हमारे भारतीय अस्मिता को ठेस पहुंचाया है और हम सब भारतीयों के सम्मान है तो हम अपने सम्मान को नहीं ओझल होने देंगे लेकिन हमें बदला भी लेना है तो भारतीयों का दिमाग भी उतना ही तेज से चलता है इन दोनों लड़कियों ने कहा कि चलो मोहम्मद बिन कासिम लेकर जाने लग गया और अलहाज, अलहाज के सामने पेश किया और पेश करके बोला कि हुजूर हाकिम मालिक मैं आपके लिए दो खूबसूरत लड़कियां जीत कर लाया हूं देखिए ये राजा की लड़की है रानियां हैं ये राजकुमारियां हैं और देखिए कितनी खूबसूरत है अलहजाज बहुत ही खुश हो गया अलहजाज ने कहा वाह बहुत अच्छा काम किया है मेरे शेर ने तब तक, तक ये दोनों लड़कियां यानी खलीफा कुमारी कुमारी, तो है, के पास जाना है हम दोनों मन से आपको पति मान लिया है और हिंदू धर्म में पति एक ही होते हैं यानी एक ही बार पति माना जाता है उसके बावजूद भी मोहम्मद बिन कासिम ने बार बार हमारे रास्तों में छेड़खानी किया है उसने कहा अच्छा इसकी इतनी हिम्मत मोहम्मद बिन कासिम का इन दोनों रोने लगे कि मैंने हमारा धर्म नाश कर दिया इसने हमने कहा कि हमारे धर्म में एक ही पति होता है और हम दोनों बहनों ने आपको पति मान लिया है इसके बावजूद हम सबके साथ रास्ते में गलत बर्ताव किया है इसने जैसे ही अलहजाज एकदम गुस्सा हो गया और बोला कि इतनी हिम्मत मोहम्मद बिन कासिम का जब आप लोगों ने पति मान लिया तब कैसे इसने आपके साथ खिलवाड़ किया उसने बोला बुलाओ घोड़े और घोड़ा के अरबी घोड़े के पीछे रस्सी से बांध दो इसको और इतना दोहराओ जब तक मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु ना हो जाए और देखिए तुरंत घोरा आया मोहम्मद बिन कासिम को उस घोड़े दौड़ते रहे और, और मोहम्मद बिन कासिम की तब मृत्यु हुई तो प्यारे भाई शायद ऊपर वाला देख रहा था ऊपर वाले ने ही क्लिक किया कि देखो दिमाग में ऐसे ऐसे काम करना और उन दोनों लड़कियों ने भारत की अस्मिता को बचाते हुए बाद में जहर खाकर जान दे दिया शादी या कोई भी व्यवहार अलहजाज के साथ नहीं बनाया तो हमारी उन दोनों बेटियों का बहुत ही सम्मान दोनों रानियों का बहुत ही सम्मान तो चलिए यहाँ तक कहानी समझ में आ गया मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कैसे हुई पहला आक्रमण भारत के ऊपर मोहम्मद बिन कासिम ने किया था मोहम्मद बिन कासिम ने करते वक्त कुछ ए, बात भी स्टार्ट किया था मोहम्मद बिन कासिम ने प्यारे भाई हमारे यहाँ जजिया कर का प्रावधान कर दिया था जजिया टैक्स भी आते आते इसने लगा दिया था तो ध्यान रखिएगा जजिया टैक्स सबसे सर्वप्रथम भारत में स्टार्ट करने वाले शासक का नाम क्या है मोहम्मद बिन कासिम है ध्यान रखिएगा क्या यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप सबका क्लियर है यस और नो जल्दी बताइए फिर हम आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर है जल्दी हाँ किसी को कोई दिक्कत

शेखर जी अलहजाज बता दिया मैंने अलहजाज खलीफा था और ये खलीफा मतलब धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख था उस वक्त वही डिसाइड करता था क्या सत्य है क्या खराब है क्या गलत है क्लियर सबको क्लियर हो गया अब आइए अब हम लोग चलते हैं देखिए आप पहले आपको बता दें कि बीपीसी पूछता है ध्यान रखिएगा राजा था, था, तो था? तो था। से से तो ब्राह्मण जाति से।, से आता था है ना? और ये जीत गया था पहला खलीफा दूसरा बात की सबसे पहले जजिया कर किसने स्टार्ट किया है तो सबसे पहले किसने मोहम्मद बिन कासिम ने यह भी प्रश्न आता है ना सबसे पहले कहाँ पे अटैक हुआ था मुस्लिम अटैक आक्रमण हुआ था तो सिंध पर यह भी प्रश्न आता है क्लियर यहाँ से चलिए अब इस घटना को घटने के बाद इस्लाम के लोग शांत हो हो गए और कोई नहीं कर रहा था सब हो था सबको पता गया शायद सही में इन लोगों के पास शक्ति है और ये लोग जो चाहते हैं वही ऊपर वाला कर देता है जो हाल मोहम्मद बिन कासिम का हुआ ये कहानी दूर दूर तक फैल गई इसके बाद एक व्यक्ति होता है इसका नाम गजनी है और वो अटैक करेगा भारत के ऊपर लेकिन फिर भी आप बोलेंगे कि सर क्या मध्यकालीन भारत में सात के, के बाद या सात सौ सात सौ बारह के इस इंसिडेंट से लेकर एक हजार तक क्या कोई और घटना नहीं घटी क्या तो ध्यान रखिएगा घटनाएं घटी थी छोटी छोटी घटनाएं क्योंकि इस्लाम के कुछ लोग भी भारत में अभी तो थे ही जो जिन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था और उसके अलावा भारत में खासतौर तो पर राजस्थान के इलाके में कुछ घटनाएं घटती रहती थी राजा अपने में लड़ते रहते थे स्वाभिमानी लोग हुआ करते थे लेकिन इसको हम लोग कहते हैं डार्क एज क्या कहते हैं प्यारे भाई डार्क एज कहते हैं डार्क एज कहते हैं है और डार्क एज से प्रश्न आपके राजस्थान आर ए एस में ही पूछता है आरपीएससी में क्वेश्चन पूछता है बिहार का कोई मतलब नहीं है इसीलिए ना तो बिहार में पूछता ना ही यूपीएससी में पूछता है तो हम इस सात सौ बारह ईस्वी से एक हजार ईस्वी तक जो छोटे छोटे

चलिए तो अब 712 से 1000 हजार तक हमने मामला निपटा कि इसको हमने नहीं पढ़ना होता है आप जानते हैं भारत का ये रहे। यहां है, यह अफगानिस्तान है ना ये अफगानिस्तान का इलाका है अफगानिस्तान कौन सा इलाका है प्यारे भाई अफगानिस्तान है ना इस यहाँ पे एक शहर है उस शहर का नाम है गजनी शहर कौन है गजनी सिटी गजनी सिटी ना इस गजनी सिटी हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे और यहाँ का एक व्यक्ति रहता है इसका नाम रहता है गजनवी क्या नाम रहता है प्यारे भाई गजनवी 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 है ना गजनवी अटैक करना स्टार्ट करता है इस क्षेत्र में मुल्तान सबसे तो पहले मुल्तान पे अटैक करता है ध्यान रखिएगा मुल्तान पे उसके बाद ये आगे बढ़ता है आप लोग गजन गजनवी का नाम सुने होंगे गजनवी है ना सब लोगों ने सुना होगा स्क्रीन पीडीएफ मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल स्क्रीन पीडीएफ भी मिलेगा गजनवी बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को जान लेना होगा क्योंकि इसका वंश बहुत ही बड़ा है और इसके नाम से जाना जाता है ये यामिनी वंश से आता है गजनवी कौन से वंश से पैर भाई यामिनी वंश से आता है कौन से वंश से यामिनी वंश से यामिनी वंश में कहा जाता है इसके पिता का नाम क्या है

यामिनी वंश लेकिन सवाल आता है कि क्या ये बहुत बड़े वंश के थे बहुत बड़े लड़ाकू थे क्या तो नहीं सर ये जो लोग हुआ करते थे अफगानिस्तान में इस क्षेत्र के खासतौर सिटी ये लोग कबिलाई क्षेत्र के लोग हैं कौन से कबिलाई क्षेत्र के और कबिलाई क्षेत्र का मतलब ये होता है कि ये अपना जीव को उपार्जन के लिए कहीं जा रहे हैं किसी का लूट रहे हैं किसी का खा रहे हैं किसी को पीट रहे हैं यानी घूम घूम कर लूट लूट कर खाने की कहानी ये कबिलाई क्षेत्र के लोगों में मतलब थी एक्टिविटी यही इनके अंदर थी तो ये लोग बेसिकली करते क्या थे कि लूट लूट कर कहीं से घूम घूम कर छीन छीन कर खाते थे लेकिन हर व्यक्ति के अंदर एक लालसा होता है कि हम भी अच्छा करें और हम भी आगे बढ़े तो बेसिकली गजनवी को ये बात पता चला कि एक यहाँ से दक्षिण में एक जगह है जिसका नाम भारत है और भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको भारत के चिड़िया के नाम से जाना जाता है बड़ा ही धन है यदि हम यहाँ जाएंगे तो बहुत सारा चीजों को लूट कर लेकर आएंगे वही गजनवी ने किया प्यारे भाई तो गजनवी ने भारत पर आक्रमण स्टार्ट किया कब कब से 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 पर पर में इसने भारत आक्रमण स्टार्ट स्टार्ट किया किया अटैक था गजनवी ने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में, 1000, 1000, सीमावर्ती में, 1000 में 1000 एक हजार एक हजार सीमावर्ती क्षेत्रों में एक हजार ईस्वी से अटैक किया सत्रह बार लगातार आक्रमण किया है ये सत्रह बार आक्रमण लगातार किया है सत्रह बार लगातार आक्रमण किया है भारत पर यह भी आपको पता होगा लगातार आक्रमण किया है गजनवी जब आप आप कई दफा ये बात आपको कुछ लोग प्रबुद्ध लोग ज्ञानी लोग भी बताते हैं कि तुम डरते काहे हो जब गजनवी भी बार भारत पर आक्रमण कर सकता है तो तुम अपनी लड़ाइया बार बार क्यों नहीं लड़ सकते हो? ठीक भी है बट तो स्टिल ये थेथर टाइप का व्यक्ति था ये आक्रमण ये लोग करते थे हार भी जाते थे तो हार नहीं मानते थे हालांकि हम लोगों को भी ऐसा ही होना चाहिए हार क्यों माने यदि हमने हमने कोई एग्जाम दिया कहीं फेल हुए तो हम एनालिसिस करेंगे देखेंगे कि हमारी गलतियां कहा हुई देन वी विल इंप्रूव है ना हजार एक में पंजाब में बिल्कुल ये धीरे धीरे वहां से बढ़ने लग गया प्यारे भाई और ये यहाँ से अटैक किया और सीमावती क्षेत्र का मतलब ये क्षेत्र होता है उसके बाद धीरे धीरे पंजाब में घुसा और पंजाब के बाद इधर इधर आने लगा और इसको जब पता चला दिल्ली तक पहुंचा तो इसको पता चला कि ये यहाँ पे एक द, आ, क्या है गुजरात है गुजरात और इस गुजरात में क्या है प्यारे भाई तो इस गुजरात में एक मंदिर है जिसका नाम सोमनाथ मंदिर है क्या नाम है सोमनाथ मंदिर जो सबसे ज्यादा फेमस था सोमनाथ मंदिर है और इस मंदिर में बहुत सारे पैसे हैं बहुत सारे करोड़ों रुपए का धन हुआ करता है यदि हम अटैक करेंगे तो एक ही बार में बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे तो ये सोमनाथ मंदिर की तरफ धीरे धीरे अटैक करते करते आगे हारता जीतता हारता जीतता आगे बढ़ते गया सत्र बार के आक्रमणों में और तब सोमनाथ मंदिर पर एक में पहुंचा कब प्यारे भाई सोमनाथ मंदिर पर एक में आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पर सोमनाथ मंदिर पर यही इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं यही देख रहा अब थोड़ा सा एक सेकंड मेरा बात सुन लीजिएगा आप लोग यदि आप लोगों के पास समय हो तो एक सेकंड ध्यान सुन लीजिएगा है ना ध्यान से सुन लेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि जैसे एक से लेकर और 1025 के बीच में जितने आक्रमण किया है उसका मैं पीडीएफ दे दूंगा उस पीडीएफ से आप लोग मोटे तौर पे देख लीजिएगा क्योंकि मैं यदि वन एक एक आक्रमण बताऊंगा तो हो जाएगा टाइम और टाइम जो कि प्रीलिम्स के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम उसको स्किप कर कर आगे बढ़ रहे हैं आपको कोई दिक्कत ठीक है ना ध्यान रखिएगा 1925 है 1025 है ठीक है ना उसका पीडीएफ में दे दूंगा उसको पढ़ लीजिएगा मेन जो इंपॉर्टेंट है जो क्रिस्प जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब हम बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं और मैपिंग ठीक लग रहा है ना सबको सबको मैपिंग अच्छा लग रहा है ना तो आइए सोमनाथ सोमनाथ मंदिर मंदिर पर पर अटैक अटैक किया किया भाई जब मंदिर तो इसके बारे में कहानियां हैं और इसके साथ एक व्यक्ति हुआ करता था आप लोग जानते हैं इसके साथ इसके साथ यानी किसके साथ हमारे किसके साथ पैरे भाई कौन था वो गजनवी के साथ एक महान व्यक्ति हुआ करता था कौन अलबरूनी ध्यान रखिएगा गजनवी के साथ अलबरूनी भी हुआ करता था उस वक्त गजनवी के साथ एक विद्वान होता था उस विद्वान का नाम क्या है अलबरूनी अलबरूनी को की बहुत सारी चर्चाएं और कहा जाता है कि ये कई भाषाओं को जानता था और बहुत ही ज्ञानी था बहुत ही पढ़ा लिखा था रिसर्च स्कॉलर के रूप में काम करता था अलबरूनी इसी के साथ हुआ करता था ये ध्यान रखिएगा अलबरूनी के कई सारे स्टेटमेंट है सोमनाथ मंदिर के अटैक के बारे में जो भारतीयों के पक्ष और विपक्ष दोनों में है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा इस कहानी को हम बता देते हैं जब ये सोमनाथ मंदिर पर अटैक करने गया तो सोमनाथ मंदिर में हाँ बिल्कुल वो सब हम लिखवा देंगे निश्चिंत रहिए राजनंदी सिन्हा तो जब सोमनाथ मंदिर पर अटैक करने गया तो वहां के इतिहासकार बताते हैं और इतिहास में लिखा हुआ है कि सोमनाथ मंदिर में लगभग दस हजार सेवक थे कितने प्यारे भाई दस हजार ये मंदिर है और इसमें दस हजार सेवक हुआ करते थे कितने दस हजार सेवक हुआ करते थे प्यारे भाई दस हजार सेवक एक सेकंड एक सेकंड रुक जाना फैन बंद करवा दीजिए चलिए तो दस हजार सेवक हुआ करते थे ध्यान रखना ये दस हजार सेवक लाइट कट गया था तो वही लाइट इन्वर्टर मेरा साउंड देने लग चलिए ठीक है एक सेकंड, एक सेकंड। चलिए तो दस हजार सेवक हुआ करते थे प्यारे भाई और दस हजार सेवक कहा जाता है कि ये वैसे सेवक थे इस मंदिर में कि इनके मक्खी भी इनके शरीर पे बैठ जाए तो वो छिछल के गिर जाती थी यानी एकदम हट्ठे छह फुट के जवान टाइप के सेवक हुआ करते थे उसमें ब्राह्मण और हिंदू जाति के बहुत सारे लोग हुआ करते थे जो इस इस मंदिर का सेवा करते थे और गजनी के पास मात्र पांच सैनिक था कितना पांच सैनिक गजनी की औकात थी कि सोमनाथ मंदिर को लूट लेता फालतू बात है लेकिन हम भारतीयों की शायद उस वक्त की मूर्खता थी मैं ये बात नहीं कह रहा हूं जो अलबरूनी ने लिखा है मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ आई नॉट श्योर अबाउट दैट की वॉट विल कुछ लोग ये क्रिटिसाइज नहीं करने लगे कि सर आप तो ज्ञान दे रहे हैं नहीं ऐसा नहीं अलबरूनी ने ये बात कहा उस वक्त के दस हजार जो ब्राह्मण लोग थे सेवक लोग थे उन सभी लोगों ने हाथ जोड़ा और भगवान से कहा कि हे सोमनाथ भगवान आपके मंदिर को लूटने या आक्रांत आया हुआ है आप अपने मंदिर को बचाइए मूर्खता पुण्य सबसे पहला बात बताइए भगवान के मंदिर की सेवा आप कर रहे हैं इतना बढ़िया भगवान ने शरीर दिया है इतना बढ़िया आप है और आप जब भगवान के मंदिर पे अटैक होगा तो ये कहिएगा कि भगवान आइए आप अपने मंदिर को बचाइए भगवान भी ऊपर से देख के शर्म खा रहे होंगे कि किन नालायकों को मैंने यहाँ दिया है कौन से नालायक लोग हैं और हाथ जोड़कर मंदिर में बैठ गए भगवान को याद करने लग गए गजनी आत, गजनी आता है अपने पूरे सैनिकों के साथ और मंदिरों का जो बैठा था उसका नेक काटता हुआ हुआ यानी नट्टी उतारता हुआ और मंदिर तक पहुंच जाता है और करोड़ों अरबों का सोना चांदी हीरा जयरात लूटता है मंदिर से चला जाने लगता है बताइए तो अलबरूनी ने अपने किताब में यह लिखा कि हिंदुस्तान के लोगों ने भारत के लोगों ने अपने भारत के लोगों ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा रामायण महाभारत से कुछ नहीं सीखा ये भारतीय मूर्ख थे उस वक्त जिनके मूर्खता के कारण ये मंदिर लूटी गई अलबरुण ने अपने किताब में लिखा है बाद में बताइए कितना बकलो लोग था उसके बावजूद उसके बावजूद देखिए हमारे यहाँ के विद्वान जो लोग पहले हुआ करते थे उस मंदिर में जो हीरे थे जो मंदिर में हीरे थे उस हिंदी हीरे मतलब उस मंदिर में हीरा रूपी मूर्ति था उसको इस तरीके से डिजाइन किया था कि ऐसे आईना लगा हुआ था कि जैसे आप खड़ा होते थे आपको वो आईना पता ही नहीं चलता था

अलबरूनी ने ज्ञान दिया और तब उस एंगल को तोड़ा गया तब वो हीरा वाला, हीरा वाला मंदिर मतलब हीरा रूपी मूर्ति को लेकर ये लोग वहां से निकले थे अलबरूनी के दिमाग से तो अलबरूनी नहीं होता तो इतना बहुत बड़ा लूट भी नहीं होता सोना जयरात का लूट भी नहीं होता ध्यान रखिएगा अलबरूनी नहीं होता तो भी ऐसा नहीं होता चलो तो मोटे तौर पे आप समझ गए इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है तो एक हजार पच्चीस ईस्वी सोमनाथ के मंदिर और अलबरूनी अलबरूनी का एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा कि भारतीयों ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है भारतीय लोगों ने अपने इतिहास से ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है लिख लीजिएगा अपने इतिहास से नहीं सीखा भारतीयों की मूर्खता के कारण नीचे दिख रहा है ना नीचे सबको दिख रहा है ना भारतीयों की मूर्खता के कारण मंदिर लूटा क्लियर है क्या क्लियर है सबका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है जल्दी बताइए मैंने कोशिश किया है कि कम समय में समराइज करने के हम गजनवी तक पहुंच चुके हैं जल्दी बताइए क्लियर है <coughs> जल्दी यस yes, सर सब लोग क्लियर

लास्ट में कहा जाता है एक सेकंड रुकिए तो एक डिलीवरी है चलिए अरे कॉल था जरूरी कॉल सॉरी फॉर दैट सॉरी आपका पांच मिनट हमने वेस्ट किया सॉरी फॉर दैट तो चलिए हमने कहा एक हजार सताइस में ध्यान रखिएगा एक हजार सताइस में रिटर्न होने लग गया था है ना सॉरी हम आप लोगों का पांच मिनट बर्बाद किए

जाटों से जाटों से भिर गया है ना लिख देते हैं शॉर्ट में भिर गया है ना जाटों ने बहुत पीटा इसको जाटों ने बहुत पीटा पीटा ठीक है और उसके बाद वो चला वहां है प्यारे भाई ये गजनी जाने के बाद प्यारे भाई गजनी के गजनी जाने के बाद भारत से सीख कर गया था उस वक्त भारत के मंदिरों में लाइब्रेरी हुआ करता था गजनी जाने के बाद लाइब्रेरी बनाए यूनिवर्सिटी बनाए हम सबसे सीख कर ये दुनिया जो तुम

लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी और क्या बनाया लाइब्रेरी बनाया यूनिवर्सिटी बनाया और प्यारे भाई क्या बनाया तो ध्यान रखना स्कूल्स है ना स्कूल्स बनाया स्कूल्स जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है वो बता देते हैं उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी ध्यान रखिएगा ये गजनी में उसने जाकर भारत से जाने के बाद सीखकर बनाया था चलिए अगला एक पॉइंट ये है कि इसके दरबार में कौन हुआ करता था गजनवी के दरबार में गजनवी के दरबारी कवि कौन थे गजनवी के दरबारी कवि इससे भी प्रश्न पूछा जाता है गजनवी के दरबारी कवि कौन थे दरबारी कवि कौन थे ध्यान रखिएगा आ जाइए गजनी के दरबारी कवि एक दो बता देंगे जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा इससे क्वेश्चन आता है सर रिवीजन किस बुक से करना है अपर्णा सिंह जी सब लास्ट में हम बात करेंगे एक था बैहाकी है तारीख सुबक्त गिन लिखा था बैहाकी है ना बैहाकी को आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं बैहाकी से प्रश्न पूछा जाता है इसने एक किताब लिखा था तारीख सुबक्त गिन तारीख ए सुबक्त गिन याद कर लीजिएगा ये प्रश्न पूछा जाता है सुबक्त गिन

शाहनामा के लिए जाना जाता है किताबें कि हैं ये उसके अलावा उत्बी था उत्भी और और उसके अलावा अलबरूनी अलबरूनी चलिए उत्बी ने कौन सा किताब लिखा है अलबरूनी ने कौन सा किताब लिखा है फटाफट बता दीजिए कौन लोग बताते हैं कितने लोग बताएंगे शाहनामा तो पता ही होगा उत्बी ने लिखा है किताब उल यामिनी है ना किताब उल इसने लिखा है किताब उल यामिनी ध्यान रखिएगा ये दोनों मैच करता है किताब उल यामिनी

चलिए ये इंपॉर्टेंट है इससे हमेशा प्रश्न पूछता है जरा इसको ध्यान से देखिएगा इसको भूलिएगा नहीं इसको ध्यान से देखना होगा आपको ठीक है ना उसको ध्यान से देख लीजिएगा बस मोटे तौर पर गजनवी से सारा कहानी खत्म अब हम लोग पूजा कुमार कहाँ लिखे है फिरदौशी शाहनामा लिखे हैं प्यारे भाई प्यारे भाई ये फिरदौसी है और फिरदौसी है और ये शाहनामा है चलिए हम और अच्छे से लिख देते हैं शाहनामा हमारा राइटिंग समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को मा ये किताब है प्यारे भाई ये किताब है, है ये बुक्स है जो इन लोगों ने लिखा है ठीक है ना जल्दी से एक बार लिख कर क्लियर करिए हम लोग आगे बढ़ेंगे अब तुरंत अटैक कराएंगे अच्छा हम आपको एक और बता दें कि आज जो अटैक वाला कहानी है ना वो सारा हम दे देंगे आपको मोटे तौर पे कि 1001 से लेकर एक हजार सत्ताईस तक तो कहां अटैक किया है इन सब का डेटा आपको हम दे देंगे पीडीएफ में ठीक है क्लियर अब हम लोग आगे बढ़े आगे बढ़े चलिए ये लुटेरा था लूट कर चला गया अभी तक जितने भारत में आए मोहम्मद बिन कासिम लूट कर चला गया गजनवी लूट कर चला गया अगला जो आएगा थोड़ा सा सेंसिटिव होगा थोड़ा सा समझदार होगा और लूटने के साथ साथ अपने प्रभुत्व तो, अपने सम्मान प्रभुत तो, अपने प्रभुत्व तो, अपने मतलब एक अधिकाधिक को भी भारत में छोड़कर जाएगा तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर ये चला गया गजनवी और गजनवी के जाने के बाद मृत्यु हो गया और छोटा थोड़ा बहुत इस्लाम यहाँ पनप ही चुका था इस्लाम से संबंधित कुछ लोग रह चुके थे लेकिन मेरे प्यारे भाई गजनवी के जाने के बाद फिर वही सभी लोगों ने कहा कि भारतीयों की सही में शराब पड़ जाता है ऊपर ऊपर वाला वाला देखता है है और वाला इनको में जाते जाते ऐसे व्यक्ति से मिला देता है कि इनका नाश बर्बाद ही हो जाता है तो लगभग लगभग यहाँ तक खत्म रहा उसके बाद ग्यारह सौ पचहत्तर ईस्वी से एक नया स्टार्ट होता है उसका होता है मोहम्मद गोरी मोहम्मद गोरी को सभी लोग जानते होंगे इससे बहुत सारे मोहम्मद गोरी मोहम्मद गोरी अगला फटाफट डाल लीजिएगा सभी लोग सभी लोग हेडिंग डालिए मोहम्मद गोरी और शुरू करते हैं इसको मोहम्मद गोरी आप मोहम्मद गोरी से था और ये भी अफगानिस्तान से आया था प्यारे भाई कहां से आया था ये भी अफगानिस्तान से है ना छोटा सा भारत बनाते हैं है ना और ये अफगानिस्तान का इलाका है ना अफगानिस्तान ये भी अफगान निस्तान गोर प्रदेश कहा जाता है गोर प्रदेश अफगानिस्तान और यहाँ पे संसभासी वंश हुआ करता था कौन सा संसभासी वंश इसी संसभासी वंश का यह हो व्यक्ति था और यह भी भारत के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया भारत के ऊपर अटैक किया कई बार अटैक किया आक्रमण किया कौन जिसका नाम था मोहम्मद गोरी 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 मोहम्मद मोहम्मद है ना ने भारत के ऊपर अटैक करना शुरू किया लेकिन यह हारा भी है मोहम्मद गोरी पे सर इतना करने के बाद पीटी निकल जाएगा मोहम्मद अफरोज कहते हैं यह डरने वाला ना जीवन में कभी काम नहीं करिएगा जी आप सौ अपना दीजिए और दुनिया की कोई ताकत आपको बढ़ने से और करने से नहीं, नहीं रोक सकती है ध्यान रखिएगा संदेह क्यों रहता है आप लोगों को सर ये करने पे पीटी निकल जाएगा अरे हम पढ़ेंगे ना जब हम पढ़ जाएंगे तो कहां से क्वेश्चन पूछ देगा बीपीएससी की औकात बीपीएससी इतिहास से हिस्ट्री से बाहर को तो क्वेश्चन पूछ देगा भाई नहीं पूछेगा यार ये डाउट क्यों लग रहा है आपके ऊपर हम पूरे सिलेबस को पढ़ा रहे हैं हम ऐसा तो नहीं है कि कहीं और से पढ़ा रहे हैं है ना बिल्कुल राजनंदन सिन्हा आपका जवाब सही है ग्यारह में मुल्तान पर अटैक किया और ग्यारह में गुजरात पर ध्यान रखिएगा, अभी ये मोहम्मद गोरी अटैक करना शुरू करता है और सबसे पहले अटैक करता है ग्यारह में मुल्तान पर मुल्तान कौन सा इलाका है पैर भाई ये मुल्तान

इसके पास भी बहुत कुछ नहीं था कबिलाई चित्र लूट कर खसोट कर खाना पीना जीना यही इसका काम था हाँ है ना है ना ध्यान रखिएगा लता नहीं करिए सर हन विले ने सिखा जारी किया था वो रह गया सर चलिए आइए ठीक है आइए देखते हैं तो मोहम्मद गोरी मोहम्मद गोरी भी बहुत और भारत में किस लाला से लोग आते थे, थे लूटने के लिए अभी तक मैंने आपको बताया था मुझे सॉरी uh, क्या कह रहे थे हम अभी हमने आपको बताया था क्या बताया था प्यारे भाई कि मैंने आपको बताया था कि अभी तक लूटने आए थे मोहम्मद गोरी अपने दिमाग में मैप बना क्या था कि हम लूटेंगे भी और अपने प्रक्षेत्र का प्रचार प्रसार भी करेंगे नहीं पूछता है लता से नहीं आइए देखते हैं ग्यारह सौ पचहत्तर ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण और मुल्तान पर आक्रमण करने के बाद ये इसके आगे बढ़ा और थोड़ा सा इसका आगे पड़ता है गुजरात प्यारे भाई कहा गुजरात ये गुजरात पर गया और जब प्यारे भाई गुजरात पर गया ना तो यहां पे एक बार भीम द्वितीय हुआ करते थे कौन भीम सेकंड इनका नाम भीम सेकंड है इनको बघेल भीम भी कहते हैं बघेल भीम भी कहते हैं बघेल भीम से भी इनका प्रश्न पूछा गया है ध्यान रखिएगा और इनकी माता थी नायिका देवी इनकी माता क्या थी प्यारे भाई नायिका देवी कितने लोगों ने मूवी देखा है नायिका देवी कितने लोगों ने प्यारे भाई मूवी देखा है मेरे बाहुबली वाला मूवी कितने लोगों ने देखा है जल्दी बता दो उसमें उनकी पूरे सत्ता को हैंडल कौन कर रही है नायिका देवी कर रही है उसी तरह ये बघेल भीम थे भीम द्वितीय थे और ये पूरी सत्ता को मैनेज कर रही थी नायिका देवी प्यारे भाई नायिका देवी मैनेज कर रही थी और नायिका देवी के सहयोग से भीम द्वितीय ने इतना पीटा ना सो में ये अटैक किया था एगारह में अटैक किया गुजरात पर है ना गुजरात पर और गुजरात का राजा ये पूछा जाता है गुजरात का राजा उस वक्त कौन था तो गुजरात पर आक्रमण और यहाँ का राजा कौन था ध्यान से सुन लीजिएगा उसका नाम था बघेल भीम या भीम द्वितीय दोनों नाम यहाँ का राजा कौन था उस वक्त राजा कौन था यहाँ का तो बघेल भीम या भीम द्वितीय दोनों और ये लिख देते हैं क्योंकि ये प्रश्न पूछता है जो पूछता है वो हम बार बार रिपीट कर दे रहे हैं ये दो, ये दो लोग थे एक ही लोग थे और भीम तो भीम भीम तो भारत में भीम, आप महाभारत में देखिएगा तो महाभारत में भीम तो भीम ही होते हैं तो बघेल भीम भीम द्वितीय ने इतना पीटा इतना पीटा मोहम्मद गोड़ी का कि ये अधमरू टाइप सा हो गया तो पीट पाट के छोड़ दिया इसको पीट पाट के लगा रोने गाने, गाने गलती हो गया गलती हो गया तो इसको छोड़ दिया और जो तो ये थेथर व्यक्ति था अब एक बार भी भारत से पिटा गया तो दोबारा मत आओ लेकिन थेथर नहीं समझते हैं गांव में थेथर शब्द इसको फर्क नहीं पड़ता था, था दोबारा जाके चला जाएगा वहीं पे है ना दोबारा जाके यानी गोरी पहला बार भारत में कहा आ रहा था तो भीम सेकंड से ये क्वेश्चन पूछता है लिख लीजिएगा इस पॉइंट को गोरी पहला बार कहा आ रहा था तो भीम सेकंड से भीम सेकंड इसको बड़ा मार मारा था कहा जाता है कि इसको पटक पटक के मार रहा था अपने बाजू में दबा लिया था इसको ऐसा पीट पीटा था भीम तो भीम है भारत में भीम का मतलब भीम होता है भीम आपने बचपन से अभी तक भीम को देखा ही होगा तो इतना पीटा था प्यारे भाई क्लियर नायिका देवी के मदद से किसको हरा दिया गुजरात इस आक्रमण में कौन हार गया प्यारे भाई तो कौन हार गया कौन हार गया गोरी गोरी हार गया गोरी हार गया बाद में जब रोने गाने लगा तो इस गोरी को बड़ी कर दिया गोरी को अरेस्ट कर लिया था बड़ी कर दिया किसने भीम सेकंड ने बड़ी कर दिया कि छोड़ो क्या बेचारे की जान लेना बेचारे को छोड़ दिया लेकिन ये टाइप का आदमी था उसके बाद भी ये अटैक नहीं अटैक करना नहीं छोड़ा और ग्यारह से लेके प्यारे भाई एगारह तक लगातार अटैक करता रहा है ना फिर भारत के कौन कौन से क्षेत्र पे इसी मैप पे बता दें समझ में आ जाएगा ना आप लोग कंफर्म करिए क्या इसी मैप पे आगे के इसके अटैक को बताएं इसी मैप पे बता दें यह अलग मैप बना दे समझ कलर चेंज कर देंगे तो समझ जाइएगा जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करिए ताकि आपको दिक्कत ना हो इसलिए जल्दी से बताइए आप लोग का जवाब नहीं आ रहा है अच्छा नहीं लग रहा है जवाब दीजिए ये सर ठीक है इसी मैप पे सर फ्रेश बना दीजिए कपिलेश कुमार करें सर सर, सर। अलग अलग नवासी तक ये बैक टू बैक अटैक करता रहा है ना ध्यान रखिएगा ये ये क्षेत्र था और ये है ना तो ये इसके बाद देखिए दिल्ली की सत्ता कहां थी प्यारे भाई तो दिल्ली यहां हुआ करता था दिल्ली दिल्ली ये हुआ करता था और दिल्ली में कौन शासन करता था प्यारे भाई तो आप जानते हैं उस वक्त दिल्ली में कौन शासन करता था उस वक्त दिल्ली में कौन बैठा हुआ था तो प्यारे भाई दिल्ली में थे पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान की कहानी तो आप जानते ही हैं कि कितने हीरो आदमी थे पृथ्वीराज चौहान उस वक्त दिल्ली में बैठे हुए थे और दिल्ली की सत्ता लगभग लगभग ये भटिंडा है पंजाब का पंजाब का भटिंडा यहां तक फैला हुआ था पंजाब का भटिंडा यहां तक फैला हुआ था ये बंदा अटैक करते करते यहां से हारा अलग अलग ले लेते हैं हाँ हा, हा। यहां से हारा इसके बाद यहां अटैक किया यहां अटैक किया यहां अटैक किया और अटैक करते 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 ये सौ नवासी में पहुंच गया कहां पे यहां भटिंडा पे तो भटिंडा पे अटैक किया एगारह सौ नवासी में ग्यारह सौ नवासी में कहा अटैक किया भटिंडा पर अटैक किया और जैसे ही भटिंडा पर अटैक किया प्यारे भाई एगारह सो नवासी में भटिंडा पर अटैक किया ये जगह कौन सा है भटिंडा तब पता चला किसको पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज चौहान ने कहा किसकी औकात हो गई जी किसकी औकात हो गई जो हमारे एरिया में तुम अटैक कर दिया इतना बड़ा बलबीर हो गया पृथ्वीराज चौहान ने कहा कमर कसा और अपने सेनाओं को बोला कि चलो 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 इसको निपटा के आते हैं भटिंडा में गए पृथ्वीराज चौहान इसको फिर हरा के चले हैं बड़ी पीट पीटा बड़ा पीटे पृथ्वीराज चौहान ने इसको इतना पीटा भटिंडा पे भटिंडा इससे लड़ता था और भटिंडा से तुम पंगा ले पृथ्वीराज चौहान से तो छोड़ेंगे थोड़ी पृथ्वीराज चौहान ने इसको इतना पीटा प्यारे भाई एगार सौ में तराइन के प्रथम युद्ध में है ना इसको तराइन कहते हैं तराइन में लड़ाई हुई तराइन की प्रथम युद्ध हुई और मोहम्मद गौरी को इतना पीटा कि ये अधमरू, फिर अधमरू हो गया तो भटिंडा में नवासी, नवासी में आक्रमण किया और इसके बाद ये पृथ्वीराज चौहान से इसकी पहली लड़ाई कब हुई में इसको कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध किसकी किसके बीच में हुआ प्यारे भाई तो किसके किसके बीच में हुआ आपको पता ही होगा किसके किसके बीच में हमारे मोहम्मद गोरी है ना मोहम्मद गोरी वर्सेज हमारे पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज तृतीय बोला बोला जाता जाता है 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 राय राय ना पृथ्वीराज चौहान इनको पृथ्वीराज तृतीय भी बोला जाता है इनको राय पिथौरा भी बोला जाता है चौहान है ना इनको क्या बोला जाता है राय पिथौरा बोला जाता है ध्यान रखिएगा राय पिथौड़ा भी इन्हीं को कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय इन्हीं को कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज तृतीय भी इनको कहा जाता है तो ध्यान रखेंगे ये सब इन्हीं का नाम है तो इनसे लड़ाई हुई और इस लड़ाई में प्यारे भाई क्या हुआ हारना ही था किसको हारना था तो हारना था गोरी बहुत बुरा हार गया गोरी हार गया हार गया है ना गोरी हार गया लेकिन ये थेथर था मैंने पहले ही कहा इसका चरित्र कैसा था थेथर था ये हारने के बाद भी चुप होने वाला नहीं था मोहम्मद गोरी वर्षे पृथ्वीराज चौहान ठीक है हारने के बाद भी चुप होने वाला नहीं था थेथर टाइप का व्यक्ति था पहरे भाई थेथर टाइप का व्यक्ति था और इस वक्त एक इंडिया में ही आपने एक नाम सुना होगा जयचंद एक कहानी चल रहा था हाँ गौरव कह रहे हैं काट देना चाहिए नहीं भारत के लोग ना बड़े ही नैतिकताओं के आधार पर एथिक्स के आधार पर जीते थे तो मा काट देना बहुत ठीक बात थोड़ी था हमको टारगेट पूरा करना है 30 -40 मिनट में दो तीन टॉपिक हमको कंप्लीट करना है आप आप लोगों लोगों से लोग के साथ तो थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट करिए स्पीड में पढ़िए ठीक है ना स्पीड में हम बहुत स्टोरी बचाते हुए चल रहे हैं तो ये दिल्ली के बगल में एक क्षेत्र है कन्नौज आप जानते हैं या नहीं जानते हैं कन्नौज कौन सा है कन्नौज कन्नौज का एक शासक था प्यारे भाई उसका नाम जानते हैं क्या था कन्नौज का एक शासक था उसका नाम था प्यारे भाई क्या जयचंद जयचंद की एक बेटी थी जयचंद की एक बेटी थी उस बेटी का नाम क्या था संयोगिता कहा जाता है कि संयोगिता प्रेम करती थी हमारे पृथ्वीराज चौहान से और जयचंद नहीं चाहता था कि संयोगिता का शादी पृथ्वीराज चौहान से हो हालांकि वो दौर ऐसा था कि पृथ्वीराज चौहान से बड़े बड़े भारत के शेर भी डरते थे है ना पृथ्वीराज चौहान छह फुट का लंबा आदमी जब निकलता था तो भारत के सभी राजा उसके सामने सर झुका के सलामी करते थे क्योंकि उसकी बराबरी करना बड़ा ही मुश्किल का दौर था लेकिन फिर भी ये जयचंद जो व्यक्ति था इसने कहा कि मैं तुम्हारा शादी तो पृथ्वीराज चौहान से नहीं होने दूंगा और स्वयं वर्ग के लिए आवाहन कर दिया भारत के सभी कोटि कोटि राजाओं को बुलाया लेकिन हमारे पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाएगा पृथ्वीराज चौहान को यह जानकारी एक ब्राह्मण के थ्रू मिला और जैसे ही ये थ्रू मिला पृथ्वीराज चौहान आग बबूला हो गए बोले कि ये बात तो ठीक था लेकिन ये गलत है कि तुमने हमें नहीं बुलाया हमारी तोहहीन की है हमारी बेजती की है हम इस बेजती को नहीं बर्दाश्त करेंगे और दूसरा बात की जो लड़की संयोगिता जो लड़की हमको संयोगित लिख दिए संयोगिता इसका नाम है संयोगिता जो सिर्फ हमारी कहानियों को सुनकर हमसे प्रेम करती है जो आज तक हमको नहीं मिली मैं उसको कैसे ना बचाया जाऊं और उठाया घोड़ा बैठे और बैठकर चल दिए और जहां स्वर हो रहा था वहीं से अपने कंधे पे उठाकर मतलब कंधे पे उठाकर घोड़े पे बैठाए और साथ में संयोगता का लेकर चल दिए दिल्ली और भारत के बड़े बड़े राजाओं की हिम्मत नहीं हुई कि पृथ्वीराज चौहान के सामने कोई बोले और जयचंद इसको अपने दिल में कुंठित होकर ये दर्द को ले बैठा और कहा कि मैं इसका बदला लेकर रहूंगी रहूंगा और जयचंद घूम घूम कर इसका देख रहा था कि मौका मिले तो मैं बदला लूं। हालांकि ये बहुत गलत है कि अपने घर में घर के किसी व्यक्ति को मारने के लिए बाहरी को बुलाया जाए बहुत ही गलत तरीका है ये बार बार जिस जिसने किया है वो वो हारा है और जयचंद वही गलती कर बैठा इधर मोहम्मद गोरी बैठकर अपने दर्द को दुखों को सराह रहा था कि हमको पृथ्वीराज चौहान ने इतना गंदा मारा है और दिल्ली हम पहुंचने वाले थे तभी इसने हमको खेद दिया तभी इसने हमको थोड़ा सा हम चाहते तो और दिल्ली पहुंच ही जाते तब तक ये उसका अंदर दर और जयचंद भी घूम घूम कर ये देख रहा था कि मैं कैसे पृथ्वीराज चौहान से बदला लू तभी ये दोनों चोर चोर मैसार मौसेरा भाई मिल जाते हैं और जयचंद मिलता है और जयचंद मिलकर पृथ्वीराज चौहान की सारे इंटरनल पॉलिसी के बारे में बताता था पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी वो किस तरीके से काम करती थी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं नहीं तो है ना नया हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान की सेना सेना को क्या करते थे छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट देते थे और बीच में ये बैठते थे और सारी छोटी छोटी सेनाओं के टुकड़ियों को एक एक प्रमुख बना देते थे और ये लोग हैंडल करता था ये बेसिकली जयचंद ने कहा कि देखो हम तुम्हें तरीका बताएंगे गोरी ये जितने छोटे छोटे टुकड़ियों के मालिक सेना थे सेनापति लोग थे इन सबसे मिला और बोला की देखो तुम स्वतंत्र राजा बनना चाहते हो तो हाँ हम बनना चाहते हैं तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा क्या काम करना पड़ेगा तो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध होगा तराइन का द्वितीय युद्ध उसमें तुम दिखोगे पृथ्वीराज चौहान के साथ लेकिन समर्थन किसको करोगे हमको करोगे यानी मोहम्मद गोरी को करोगे और जब मोहम्मद गोरी को करोगे तो मोहम्मद गोरी जीतने के बाद तुम सबको फ्री प्रदेश बना देगा फ्री राजा बना देगा सब लोग चाहता है कि मेरा प्रमोशन हो लेकिन अनैतिक तरीके से प्रमोशन कहीं ना कहीं गलत होता है प्यारे भाई वही बात हो गया इन लोगों में सबके अंदर लालच आ गया और पृथ्वीराज चौहान के पीछे यह रंजित जयचंद ने रचा गोरी के साथ मिलकर और इन सबको भड़का लिया प्यारे भाई कहानी तब की है ये लड़ाई तराइन की द्वितीय युद्ध हुई एगार सौ तिरानवे कब हुआ प्यारे भाई सौ बानवे सॉरीवे है ना एगारह सो बानवे तरइन का द्वितीय युद्ध हुआ दोबारा थोड़ा सा ठीक हो गया था और दोबारा युद्ध के लिए लड़कारा ललकारा और एगारह सो बानवे में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ एगारह सो बानवे में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ किसके किसके बीच प्यारे भाई तराइन का सेकंड वर्ड तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ तो ये सेम हुआ था किसके किसके बीच गोरी गोरी वर्सेस गोरी वर्सेस चौहान पृथ्वीराज चौहान समझ जाइएगा चौहान लिख देते हैं चौहान और इसमें बेसिकली क्या हुआ चौहान को पता नहीं था चौहान अपने सेना के साथ लड़ने आए इन्होंने कहा कि इसकी क्या औकात है इसको तो हम हरा ही देंगे लेकिन प्यारे भाई यहाँ तो गोरी के साथ साथ जयचंद था आपको पता ही है जयचंद था और कुछ सेना की टुकड़िया किसकी थी तो चौहान की सेना के कुछ लोग थे इन सब लोग मिले हुए थे चौहान के सेना के लोग थे धोखा के साथ इन लोगों ने अटैक चौहान ने अटैक किया और चौहान के अटैक के पीछे इनकी जो सेना थी उसी सेना ने इनके पीछे से अटैक कर दिया और चौहान कमजोर पड़ गए चौहान हार गए और गोरी ने चौहान को गिरफ्त में ले लिया और चौहान हारते हुए धोखे से चौहान हार गए प्यारे भाई धोखे से नहीं तो हिम्मत कहाँ थी कि चौहान के चौहान जैसे भारतीय शासकों को लोग हरा दे और इतिहास ने एक और गलतियां की है जो मुझे लगता है कि आप सुन लीजिए इतिहास में उन शासकों का जिक्र नहीं है जो हमारे भारत के थे और जिन्होंने अगर अफगानिस्तान और अफगानी ईरान इरा, तक अपने दम को अपने को अपने ख्याति फैलाया था उनका नहीं हुआ ध्यान रखिएगा ये इसमें कौन हार गए और गोरी जीत गया और इस हार में कारण कौन था जयचंद और जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की कुछ सेना के लोग जो मिले हुए थे किसके साथ तो प्यारे भाई किसके साथ गोरी के साथ तो क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है फटाफट बताइए यहाँ तक कहानी क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़े जल्दी बताइए कहानी क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़े और कोई ऊब तो नहीं रहा है कि सर सवा घंटा हो गया आप लगातार पढ़ाए जा रहे हैं पढ़ाए जा रहे हैं क्या करिएगा पढ़ाना ही पड़ेगा मजबूरी है हमको है ना आप लोग है और ये रिवीजन वैसे मजबूरी नहीं है बल्कि जरूरी है इस मजबूरी को जरूरी समझ के पढ़ना है सभी लोग बताइए क्लियर है क्या जल्दी बताइए जल्दी बताइए डिलीवरी चलिए नहीं चली ठीक है पढ़ा रहे हैं सर यस सर मंतोष चौरसिया क्या कह रहे हैं पढ़ाइए सर अच्छा लग रहा है सर क्लास आरती अच्छा अच्छा लग रहा है चलिए सबको अच्छा लग रहा है कोई बोर तो नहीं हो रहा है भाई बोर होने वाले लोगों को बता दीजिएगा आप मेरे प्यारे भाई बहन यदि आपको बोरियत फील हो तो बता दीजिएगा और मैं बोर्ड पर डायग्राम के साथ बहुत ज्यादा लिखता हूं तो कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि लिखने से आपको दिक्कत हो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी लेखा भारती कह रही थी सर मेडाइवल समझ में नहीं आ रहा है मेडाइवल का कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग गया ना हाँ हाँ कुमार अश्वानी प्रसाद बिल्कुल देख सकते हैं मिडिलवेल का कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग गया किसको मिडिलवेल मेडा, दर्द की तरह लगता था है ना गौरव के राती सुंदर स्टडी मस्त है सर आपकी क्लास बोर कैसे हो सकती है आराधना कह रहे हैं आप <laughs> आपका साथ देंगे मोहम्मद अफरीद सर हम नहीं बोर होते हैं निस भाई हम नहीं बोर होते हैं हार्ड लगता था करें डेली दस क्वेश्चन कब मिलेगा ये है नाम तो बड़ा खतरनाक मिलेगा पे। बहुत बढ़िया मोहम्मद अफरोज आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट पेज में अब देखिये तराइन का सेकेंड वॉर के बाद जानते हैं यही मैं बार बार कहता हूं गलती नहीं करना चाहिए नहीं तो कर्मा विल बैक हा कर्मा प्यारे भाई और थोड़ा, थोड़ा था था। सेकंड वॉर हुआ सौ बानवे में तराइन का सेकंड वॉर हुआ और ग्यारह सो तिरानवे में इस दिल्ली की सत्ता पर कौन बैठ गया ग्यारह सो तिरानवे में इस दिल्ली की सत्ता पर बैठ जाता है कौन मोहम्मद गोरी मोहम्मद गोरी प्यारे भाई मोहम्मद गोरी जैसे ही बैठता है इसको पता चलता है कि सबसे ज्यादा टैक्स कौन से क्षेत्र से मिलता है तो उसको प्यार आता है ये यूपी बिहार बंगाल सबसे ज्यादा कर पाने वाला यही क्षेत्र है उसने कहा कि हमको तो पैसा ना चाहिए जी तो हम अब इधर बढ़ेंगे और ये तुरंत अगला अटैक ग्यारह सौ चौरानवे करता है कन्नौज का युद्ध अगला अटैक प्यारे भाई कौन सा करता है तो ध्यान रखिएगा अगला अटैक ग्यारह सौ चौरानवे कन्नौज का युद्ध अगला अगला अटैक कौन सा कन्नौज का युद्ध है ना कन्नौज का युद्ध इसको चंदावर का युद्ध भी कहते हैं कन्नौज का आक्रमण या चंदावर का युद्ध भी कहते हैं और जो जयचंद इसका साथ दिया था चंदावर का युद्ध भी कहते हैं और इसमें लड़ाई किस किसके बीच में होती है तो सोच सॉक्ट हो जाइएगा आप जयचंद भरसेज गोरी गोरी तो गोरी था उसको तो मतलब ही नहीं था वो तो अपने फायदे के लिए इन लोगों को मिलाया था जयचंद भरसेज गोरी और जयचंद हार जाते हैं और कन्नौज भी जयचंद हार गया और कन्नौज भी इसके हिस्से में हो गया इसीलिए कहा जाता है ज्यादा जयचंद मत बनिएगा आपको लूटने के लिए लोग आ रहे हैं और गोरी ने कन्नौज पर भी अपना अधिपत्य जमा लिया ये कन्नौज यूपी के क्षेत्र पर जैसे ही आगे बढ़ा गोरी इसके बाद इसका ध्यान गया कि अब हम थोड़ा इधर भी जाते हैं तो गुजरात गया और इधर बंगाल गया और गुजरात गया प्यारे भाई तो गुजरात से गोरी ने गुजरात में एक व्यक्ति को दास बनाया खरीदा उसका नाम है कुतुबुद्दीन एबक कुतुबुद्दीन एबक आप लोग शायद जानते होंगे कुतुबुद्दीन एबक को और इससे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कुतुबुद्दीन एबक को यहां से खरीदा और ये गोरी का दास हो गया और यहां से एक सेनापति इसका हुआ करता था प्यारे भाई इसका सेनापति हुआ करता था इससे हमेशा प्रश्न आता है इसका सेनापति हुआ करता था एक बख्तियार खिलजी कौन था प्यारे भाई बख्तियार खिलजी बख्तियार बख्तियार खिलजी है ना बख्तियार खिलजी और बख्तियार खिलजी ध्यान रखेंगे इसने भारत को दो हिस्से में बांटा और इधर से दक्षिण भारत यानी ये वाला क्षेत्र दे दिया इसको और ये वाला क्षेत्र दे दिया इसको और ये जाकर दिल्ली पर बैठ गया यानी अब मोहम्मद गोरी ने क्षेत्रों को बांट दिया और खुद जाकर दिल्ली पर बैठ गया है अब बोला मोहम्मद गोरीवक तुम गुजरात वाले क्षेत्र को देखो और सेनापति बख्तियार खिलजी तुम किसको देखोगे तो बिहार बंगाल उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र को देखो और बख्तियार खिलजी बड़े ही क्रूरता के साथ भारत के ऊपर आक्रमण करना शुरू करता है हमारे नालंदा हमारे विक्रमशिला हमारे उस वक्त के बंगाल का एक शासक था इसका नाम लक्ष्मण सेन था लक्ष्मण सेन डर से भाग गया बख्तियार खिलजी का इतना अत किया था बख्तियार खिलजी ने जाहिल निकम्मा नकारा व्यक्ति था बख्तियार खिलजी उसको शर्म हया भी नहीं थी कि जिस बौद्ध धर्म बौद्ध दर्शन जैन दर्शन को पढ़ने के लिए विश्व से लोग आते हैं उसको उसने जलाया और जलाकर अस्मिता को हमारे भारतीय को मिटाने का प्रयास किया लेकिन भारतीय को मिट... कहां से मिट सकता है हम आजीवन है भारत जब तक धरा है तब तक भारत है इस भारत को मिटाने वाले ही मिट जाएंगे ये भारत ना मिट पाएगा तुमसे ये भारत ना मिट पाएगा तुमसे वही कहानी है प्यारे भाइयों गुजार गुजरात का युद्ध जिसको का युद्ध कहते हैं यहीं से इसने उसको जीता किसको ने, एबक को जीता अब देखो मोटे तौर पे मैं जितने आक्रमण हुए हैं चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय गुजरात का का लड़ाई इन सारे लड़ाइयों का एक पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा आप उस पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा इसके बारे में अब हम यहीं से टर्न अप करेंगे और मोहम्मद गोरी की थोड़ी सी कहानी को हम लपेटते हुए आगे बढ़ जाएंगे क्या क्लियर है आप लोग सभी लोग को किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत प्यारे भाई जल्दी बताइए कुछ कुछ पूछना है तो जल्दी बताइए कुछ पूछना है तो जल्दी बताइए हाँ गुलाम मन सपरना सिंह शुरू करेंगे शुरू करना पड़ेगा कुमार अच्छा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा ऐसे यहां भी अपलोड कर देंगे लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में भी पी मिल जाएगा चलिए लोग तैयार हो गए चलिए सर जो आप पीडीएफ देंगे आक्रमण वाला पढ़न, पढ़ना पढ़ना इंपोर्टें हाँ मोटे तौर पे देख लीजिएगा कहां कहाँ मेन मेन तो अटैक में बताते हुए चल रहा हूं उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार देख लीजिएगा आप, आपके पास होना चाहिए सर कॉन्टेक्ट में हिस्ट्री का जो पीडीएफ दिया गया है और नहीं हो रहा है अच्छा हो जाएगा वो सीटी हो जाएगा लिंक ओपन नहीं हो रहा है टेलीग्राम थोड़ा सा जुड़ जाइए सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आपसे हम रिक्वेस्ट इस बैच का टेलीग्राम ग्रुप भी है हाँ आरती इस बैच का टेलीग्राम ग्रुप भी है इस अनाउंसमेंट एनौ, वाले लिस्ट में जाइएगा तो चलिए सभी लोग त्यार हाँ, आज मेरी अंसारी वो टॉपिक कहाँ से पढ़े हम बता देंगे लास्ट में ठीक है कटन से राजेंद्र सिंह ठीक है उस पर बात करेंगे अभी हमको आगे क्लास को कंप्लीट करने दीजिए ये हो गया ध्यान रखिएगा इसके बाद शुरू होता है प्यारे भाई मोहम्मद गोरी क्या होता है ना कि ये गोरी रिटर्न जाने लगता है भारत को छोड़कर ये गोर प्रदेश अफगानिस्तान जाने लगता है इसी बीच में ये फिर आकर नहीं निपट जाता है किसे जाटो से वही ऊपर वाला जो देख रहा था वो कहने उसको जाट याद आ गए और जाटो से दोबारा इनकी लड़ाई हो जाती है किससे प्यारे भाई गोरी से ध्यान रखिएगा गोरी से गोरी से मिल जाता है और गोरी से मिलने के बाद फिर मामला खराब हो जाता है ना मामला खराब हो जाता है मामला यह खराब हो जाता है कि जाटो पर आक्रमण करता है ये 1506 में सॉरी 1206 में 15 मार्च को और जाटो इनको बड़ा पीटते हैं और पीटते हुए यह चला जाता है कहाँ पे अफगानिस्तान अफगानिस्तान जाता है तो इसकी भी मृत्यु हो जाती है तब बसता है भारत में कौन दिन एबक दास ही दास ही दमाद होता है और दास ही उस सत्ता का हकदार हो जाता है प्यारे भाई दास ही उस सत्ता का हकदार हो जाता है ध्यान रखिएगा तो तो दासी दासी हकदार हो 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 जाता और दासी दमाद हो जाता और है है आज आज थोड़ा थोड़ा सा हम यहीं पे रोकेंगे शायद हमको लगता है कि ज्यादा जाएगा इसके आगे पढ़ाएंगे तो। कल से और स्पीड बढ़ा देंगे कल से हम आज के टॉपिक को एक्सटेंड कर रहे हैं लेकिन कल से आपको पूरा पढ़ा देंगे कल हम फटाफट स्टार्टिंग में बताते हुए आगे बढ़ेंगे ठीक है इतना ही रोकते हैं कल के लिए होमवर्क आज के लिए होमवर्क आपका क्या है हम आपको बता दे रहे हैं होमवर्क आपका बता देते हैं ध्यान से सुन लीजिए होमवर्क में गुलाम वंश पूरा आपको पढ़ के आना है कल हम गुलाम वंश स्पीड में पढ़ा देंगे गुलाम वंश के सारे एमसीक्यू कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा आप लोग एक बार गुलाम वंश 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 में क्या कुतुबी कुतुबी दूसरा है समसी बंस। कल हम निपटा देंगे शमसी वंश और तीसरा क्या है प्यारे भाई शमसी वंश और तीसरा है बलवनी वंश बलवनी वंश इन तीनों को आपको पढ़ के आना है और घटना चक्र से घटना चक्र से पूरा एमसीक्यू कर लेना है घटना चक्र से

देंगे उन दोनों को कंप्लीट हो जाना चाहिए कहाँ से पढ़े किसी भी बुक से बुक के लिए किरण भी ठीक है बुक के लिए आपको मैं भी पीडीए भेज दूंगा इसका वैसे तो छोटा सा लेकिन किरण भी ठीक है अब कोई भी बुक हो आपके पास आप पढ़ सकते हैं लूशन से भी पढ़ सकते हैं बट मोटे तौर पे पढ़ लीजिएगा घटना चक के एमसीक्यू को जरूर देखिएगा घटना चक के एमसीक्यू को नहीं छोड़ना है घटना चक के एमसीक्यू को देखना है ठीक है और कोई प्रश्न है तो एक बार आप पूछ लीजिए क्योंकि डेढ़ घंटा हो चुका है इससे ज्यादा पढ़ाएंगे तो आपका दिमाग ब्लॉक करने लगेगा इसलिए हमको सेशन को रोकना पड़ रहा है इसलिए हमको इस सेशन को रोकना पड़ रहा है और शाम को चार बजे क्लास है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और मेरा डेली साढ़े बारह से क्लास होगा सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे रात को साढ़े सात बजे मेरा एक बिहार स्पेशल का सेशन यूट्यूब पे चल रहा है यदि आपके पास समय हो तो आप सक्षम हो तो आप उस सेशन को जरूर ज्वाइन करिएगा उस सेशन में पूरा बिहार स्पेशल का सारे एमसीक्यू को मैं रिविजन करा दूंगा करा रहा हूँ ठीक है सर कोई कॉन्टेक्ट नंबर ऑफिस के कॉन्टेक्ट नंबर पे कुमार अभिनव प्रसाद कॉल कर लीजिएगा ठीक है नो सर एवरीथिंग इज ओके आप, आप ना कर रही है। और भाई किसी तरह का डाउट जो लोग हमारे सेशन को लास्ट में देखेंगे बाद में देखेंगे वो लोग भी इस होमवर्क को फॉलो करेंगे क्योंकि मैं सब पहले आते हुए पंद्रह मिनट इसी होमवर्क पे क्वेश्चंस पूछूंगा और आप सबसे डिस्कस करूंगा पहले इसी वंश को तो होमवर्क के तौर पर इसको कम्प्लीट कर लीजिएगा ध्यान रखिए हम लोग टारगेट किस तरीके का किए हैं स्पीड नहीं बढ़ाइएगा कर रहे हैं टाइम बढ़ा दीजिए आज का होने होमवर्क यही है राहुल सर पूछेंगे हाँ आरती जी राहुल सर शाम को आएंगे आप लोग उसके बैच में तो राहुल सर आप लोग से पूछेंगे आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया है कि नहीं तो वो आप जवाब दीजिएगा मैं नहीं ठीक है अब देखिए दूसरा बात क्या है जो आपको मैं बता दूं हम लोगों ने क्या टारगेट किया है जो आपको टॉपिक वाइज टारगेट किया गया है जिसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में अभी भेज देंगे जो अभी कुछ लोगों को मिल भी गया होगा इसमें टारगेट डेली हम लोग आपको दो से तीन नंबर का क्वेश्चन करा देंगे तीन से चार क्वेश्चन तीन से चार नंबर आपका श्योर करा देंगे तो साठ दिन में कितना हो जाएगा

तो आज की क्लास को हम लोग यही हाँ लैपटॉप पे भी चलेगा गौरव जी आज की क्लास को ग्रुप में बताइए शेखर जी ग्रुप का लिंक इस एप्लीकेशन के लास्ट में अनाउंसमेंट में जाइएगा तो ग्रुप का लिंक है उस पर क्लिक करिए ग्रुप खुल जाएगा वहीं से ज्वाइन कर लीजिएगा तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यही रोकते हैं अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खूब मन ला कर पढ़ते रहिए और डेली रूटीन को जरूर फॉलो करेगा आपसे फिर हम वाली रिक्वेस्ट है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है आप ठान लेंगे तो कर लेंगे आप हमारे रूटीन को फॉलो करते हुए आगे बढ़िएगा नहीं तो मामला खराब हो जाएगा फिर बात कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए जो लोग हमारे लो सेशन को बाद में देखेंगे उनसे भी हमें मेरा हम रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से जरूर इस पूरे क्लास को है ना कॉल कर लीजिए मंतोष जी आप है ना पूरे क्लास को देखने के बाद स्पीड में बेशक देख लीजिएगा लेकिन देखने के बाद इसके होमवर्क को जरूर कर लीजिएगा आप अपने से है ना ठीक है चलिए आज के लिए बहुत बहुत तो धन्यवाद फिर मिलते हैं है ना चलिए अब मुझे उम्मीद है कि मेरा जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा मैंने बहुत सोच समझ कर आपसे आप, से, आप ए, इस सेशन को मैंने डिजाइन किया है और बहुत सोच समझ कर बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प में मैं इसको पढ़ा रहा हूँ धन्यवाद आज के लिए मिलते रहिए हाँ, मिलते हैं हम आपसे शाम को साढ़े सात बजे एक हमारा एमसीक्यू का सेशन होता है बिहार स्पेशल उसमें और फिर कल तो क्लास में हम मिलेंगे चलिए अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद